नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आपकी न्यूज होती है वो आपके सारे लीडिंग सोर्सेस से कलेक्ट की जाती है, फिर उसके बाद यहां पर उपलब्ध कराई जाती है, जो आप लोगों के लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप इस सीरीज को सतत रूप से रिविजन करते हुए रेगुलर देखें, जिसका लाभ आप स्वयं अनुभव करेंगे एग्जाम हॉल में। और तीन दिनों से जो करंट अफेयर्स नहीं आ रहा था उसका रीजन एक तो दिवाली का हॉलिडे था, उसके अलावा न्यूज वगैरह जो आर्टिकल्स थे वो बहुत कम थे, इसलिए इस वीडियो में तीनों दिन के आर्टिकल्स को कवर किया जा रहा है। और आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पर कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है, जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्पेसिफिक चैनल है, उसका नाम @onlycurrentaffairs के नाम से है, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स नोटिफिकेशंस होती हैं वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और आज के फर्स्ट आर्टिकल को देखेंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो बर्थ डेथ जो स्टैटिस्टिक्स आती है उसकी रिपोर्ट आई है 2018 की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके इसके फैक्ट्स को आप कॉर्नर में रख लीजिएगा। इसको हम रेगुलरली यूज करेंगे ठीक है ना, अपने आंसर्स में। तो जो यहां पर लिखा हुआ है, रिसेंटली द बर्थ डेथ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट ऑफ इंडिया 2018 बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम वॉज रिलीज बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, अब इसको जीएस पेपर 1 में रखिए, आप चाहे जीएस पेपर 2 में रखिए, ये सोशल एंगल है ना। अगर आप लिंगानुपात पढ़ रहे हैं तो वहां पर आप क्या क्या पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे ना, कि किस तरीके से वुमेन्स का एम्पावरमेंट किया जाना चाहिए, किस तरीके से जो है वो पार्टिसिपेशन जो लेबर में होना चाहिए वो बढ़ाना चाहिए, है ना। तो वो सब प्रावधान के लिए हम इसको इंटरलिंक कर सकेंगे, इसको आप जीएस पेपर 1 और 2 दोनों में मान के चलिए, ठीक है ना। तो ये किसके द्वारा जो ये जारी की गई है ये जानने की जरूरत है। तो वो लिखा गया है कि किसके द्वारा, तो भारत के जो महापंजीयक होते हैं उनके द्वारा, नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित है ये सेंसस, ये जो आपकी जो भी डेटा ये रिपोर्ट इन्होंने निकाला है सांख्यिकी रिपोर्ट, इसमें जो है डिफरेंट स्टेट्स के जो है यहां पर डेटा को लिया गया है, ठीक है ना। अब ये जो है आपका जन्म के समय लिंगानुपात जो है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो प्रति 1000 पुरुषों पर पैदा होने वाली महिलाओं की संख्या, समझिएगा, सेक्स रेशियो को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, मतलब कैलकुलेट करेंगे तो कैसे, कि भैया पर जो आपके 1000 मेन होते हैं उसमें आपकी महिलाओं की संख्या कितनी है, किस समय, बर्थ के समय, जन्म के समय की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो इसको आप समझ लीजिएगा, ये डेफिनेशन आप लोगों को पता भी होगा। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है मैं आपको बता देता हूं पॉइंट वाइज। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ जो आपका मतलब लिंगानुपात है, जो सबसे ज्यादा आपका सेक्स रेशियो वाला स्टेट है, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश 1084 है। इन सबको राइट डाउन करके कॉर्नर कर लीजिएगा। इसके अलावा सबसे जो लोएस्ट है आपका, है ना, वो है आपका मणिपुर 757 है। इसके अलावा जो ज्यादा लिंगानुपात वाले स्टेट्स हैं उसमें फर्स्ट नंबर पे जैसे अरुणाचल प्रदेश आ गया, उसके बाद आपका नागालैंड है, देन आपका मिजोरम है ना, उसके बाद केरला है, देन कर्नाटक है आपका, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश 1084 है, नागालैंड जो है आपका वो 965 है, मिजोरम की बात करेंगे तो 963 है, कर्नाटक 957 है, दिल्ली की बात करें तो वहां पर सेक्स रेशियो आपका 929 है, और हरियाणा की बात करें तो 914 है। यहां पे जो है बढ़ोतरी देखी गई हरियाणा में, आपको याद होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात की जाए तो 952 वहां पर जो है देखा गया है, ठीक है ना। तो यहां पर जो रजिस्ट्रेशन, जो जन्म की जो पंजीकरण की प्रणाली पर आधारित है ये आपके जो भी सांख्यिकी, तो इसमें क्या है कि जो आपके पंजीकृत जन्मों की संख्या है इसमें वो 2.33 करोड़ है, और लास्ट टाइम जो लास्ट ईयर था वो आपका डेटा था 2.21 करोड़, जो आपके जन्म हुए थे उनका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण वहां पर किया गया था। तो जन्म पंजीकरण का जो लेवल है वो 2009 में कितना था आपका, वो 81.3 था, जो 2018 में कितना हो गया है, 89.3 हो गया। ये इंपॉर्टेंट डेटा, इसके बाद यहां पर यही सब बताया गया है, आप देख लीजिए। यहां पर बताया जा रहा है मणिपुर जो है उसका वर्स्ट है सेक्स रेशियो, और सबसे अच्छा जो है अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का डेटा 1084 है, ठीक है ना। इसमें गर्ल्स मतलब आर बॉर्न पर 1000 मैन बॉर्न वो बताया जा रहा है सेक्स रेशियो एट बर्थ,
उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 965, नागालैंड मैंने बता दिया, मिजोरम भी बता दिया मैंने, केरला भी बता दिया, कर्नाटका भी बता दिया आपको, है ना। तो ये चीजें देख जाइएगा। अब इसमें जो है आगे लिखा हुआ है जो कि जो बस परफॉर्मेंस है मणिपुर, ठीक है ना, उसके बाद वहां पर आप देखेंगे तो 839 लक्षद्वीप है, 877 दमन एंड दीव है आपका, और 896 आपका पंजाब और गुजरात है। तो ये जो वर्स्ट और जो आपके बेस्ट परफॉर्मेंस वाले स्टेट्स होते हैं इनके बारे में हमको नोट डाउन करके किनारे रखना चाहिए। इसके बाद यहां पर सेक्स रेशियो एट बर्थ एट जो रिकॉर्ड किया गया है एट 929 इन दिल्ली, ये हमने देख लिया है, 914 हरियाणा JNK के लिए जो है 952 रिकॉर्ड किया गया है, ये चीज़ें भी मैंने आपको बता दिया है, देख जाइएगा, बिल्कुल फैक्चुअल जानकारी। अब यहाँ पर समझिएगा कि गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स किए, ये हमारे लिए जो है एनालिटिकल पार्ट है, किस तरीके से हम जो है योजनाओं को अपने जो आपके आंसर उसमें एक्यूमुलेट करेंगे, कैसे हम एनरिस्ट करेंगे अपने आंसर्स को। तो बहुत सारी योजनाएं आपको रैंडमली भी याद होंगी कि जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना, उसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना, फिर बालिका सुरक्षा, फिर राष्ट्रीय महिला कोष, प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना है, जितनी भी आप महिलाओं से संदर्भित, चाहे आप इसमें नहीं लिखा हुआ किरण स्कीम लगा लीजिए, महिला आपक्वायर स्कीम लगा लीजिए, मतलब मेरे कहने का मतलब एग्रीकल्चर के लिए स्पेसिफिक कौन सी महिलाओं के लिए योजना है, ठीक है ना, उसके अलावा उनके एम्पावरमेंट के लिए कौन सी है, उनकी स्किल्स के लिए कौन सी है, है ना। तो इस तरीके की जो योजनाएं लाई जाती, जैसे साइंटिफिक टेंपर के लिए किरण है, वो इस आर्टिकल में कवर नहीं किया गया। मैं बता रहा हूं आपको कि योजनाओं को किस तरीके से हमको यूज करना है डिफरेंट सेक्टर वाइज, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये जो है यहां पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो है यहां पर जो है क्या लिया है हमारे यहाँ सरकार ने प्रयास किया है, और स्टैचुरी भी हमारे यहाँ प्रोविजन है, जैसे अंडर द इंडियन जो पीनल कोड है 1860 उसका सेक्शन 312 से लेकर 318 तक जो है आपका वो इनविसेस करता है ऐसे ऑफेंसेस को जो मतलब जो किससे संदर्भित हो, अबॉर्शन इन्वॉल्विंग अबॉर्शन अबॉर्टिंग द बर्थ ऑफ चाइल्ड, किलिंग एन अनबॉर्न चाइल्ड सेक्शन 316, अबेंडमेंट ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, ठीक है ना, जो सेक्शन लिखा हुआ है 317, हाइडिंग द डेड बॉडी ऑफ अ चाइल्ड और डिस्ट्रॉइंग इट साइलेंटली सेक्शन 318 एटसेट्रा। कहने का मतलब आज भी आप देखेंगे तो जैसे अभी आप देखेंगे बुंदेलखंड वाला एरिया जो चंबल वाला, वहां बोला जाता है कि आज भी ये मतलब ये पढ़ी हुई चीजें न्यूज में आती है कि आज भी जैसे बेटियां वगैरह पैदा होती तो मुंह में उनके जो है तंबाकू रख दिया जाता है। अरे बेटियां तो लक्ष्मी होती हैं, आप सारे भगवानों की पूजा, भैया धन दे दो लक्ष्मी माता, ज्ञान दे दो सरस्वती माता, बचा लो काली माता दुर्गा माता, लेकिन उन्हीं का जो है हमारे यहां शोषण हो रहा है, ये चीज सोचने की बात है। फिर मैं वही चीज यहां रिपीट करूंगा कि एंजेला मार्केल ने बोला था, है ना, उनके स्टेटमेंट है कि अगर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में अगर इक्वल हो जाए तो आपकी GDP 2-4 टाइम्स जो है ग्रो कर जाएगी। अब हमारे पास सीधा रास्ता बचा है ये, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे, हम तो कुछ और करेंगे ना, ठीक है ना, मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर जो योजनाओं के नाम बताए गए वो हमने देख लिया। अब चैलेंजेस क्या है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, मैंने बहुत अच्छे से कई बार आपको बताया है, और जो चीजें मैंने आपको बताया उसी के अंदर ही आर्टिकल में चीजें आएंगी, ठीक है ना। यहां पर बहुत कम लिखा होगा, मैं बोलता हूं वुमेन एम्पावरमेंट को आपको सोचना है तो आप किस तरीके से देखेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे देखिए, देन फैमिली के लेवल पे देखिए, फैमिली से निकल के देन सोसाइटी में आइए, देन उसके बाद आप कहां आइए कंट्री के लेवल पे आइए हमारे, देन इंटरनेशनल लेवल पे उसको कंपेयर करिए। ये होना चाहिए आपके आंसर लिखने का तरीका, एनालिसिस का तरीका, जो आपको अच्छी रैंक दिलाएगा, ठीक है ना। बाकी फैक्चुअल जानकारी लिख के सब आते हैं मेंस में, समझदार सब होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं वही मेंस देते हैं। कोई भी जिसका सिलेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा जो है तोप नहीं हो जाता, जिसका नहीं हो जाता उससे बहुत कम नहीं हो जाता, सीधी बात है ये, है ना, कि जो जो व्यक्ति वहां पहुंचता है वो आपका इंटेलिजेंट है, बस वो 3 घंटे में प्रेजेंटेशन कैसा है, आप अपने ज्ञान को यूटिलाइज कितना कर पाए, क्योंकि आपको आपकी कॉपी से वो जानेगा, आप कॉपी के बिहाफ पे बात करोगे ना, सामने तो बैठे नहीं हो कि सर ये लिखना भूल गया मैं, है ना। समझ रहे हैं आप मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, मेरा पूरा फोकस एक चीज में है कि आप लोग मतलब क्वालिफाई करके अच्छी रैंक ले आइए, और ज्ञान जी का भी वही है, पूरी टीम का भी सिर्फ यही मोटिव ही है ना। तो आप लोग जो है कंसिस्टेंट चलिए और रेगुलर देखिए और आंसर राइटिंग करिए। बहुत से स्टूडेंट जो है रेगुलर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, है ना, लेकिन बहुत से नहीं कर रहे हैं, है ना, मतलब अगर गिनती में देखें तो जो है 8-10 लोग जो है रेगुलर आंसर राइटिंग कर लें, लेकिन बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। प्लीज आप लोग करिए, स्टार्ट करिए एटलीस्ट 1 क्वेश्चन डेली,
ठीक है। तो यहां पर लिखा गया है कि क्या चैलेंजेस है, तो सबसे पहली बात तो ये कि लैक ऑफ द एडेक्वेट रिसोर्स, बताइए सबसे सिंपल पॉइंट है मेरे हिसाब से, सबसे नीचे लिखा जाना चाहिए पॉइंट, ये तो हर कोई लिखेगा ना कि संसाधनों की कमी है। अरे भैया डेवलपिंग स्टेट है तो होगी संसाधनों की कमी, टू मॉनिटर एंड मॉनिटर प्लान्स एंड लेजिस्लेशन। तो ये इसका क्रक्स क्या हो गया कि हमारे यहां स्कीम जो होती कोई भी खराब नहीं होती, लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होती है, वहां पर करप्शन होता है, वहां पर लीकेज होता है। तो इसमें फिर पर्सनल इंटीग्रिटी की बात हो जाएगी, लिंक करिए फोर्थ पेपर से। हाँ, प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, हाँ? उसके बाद आप देखिए देयर इज अ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्कीम, बताइए दोनों क्या एक ही चीजें नहीं है, इसमें कितना रिवॉर्ड करेगा एग्जामिनर आपको। इसके बाद एडवाइजरी कमिटीज एट वेरियस लेवल्स हैव पुअर परफॉर्मेंस, तो जो भैया जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया नहीं है, एक तो कमी है, जो बना रखा है वो भी आपकी जो है उसका भी परफॉर्मेंस जो है वो कैसा है, बेकार है, ठीक है ना। देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे यहाँ जो रूढ़िवादी की नहीं भैया लड़की हुई है वो घर का एक मतलब शादी कर देंगे वो चली जाएगी, अरे इकोनॉमिक रिलायंस जहां नहीं होता वहीं पर जो है डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा होता है। जो लड़की खुद कमा रही होती है, जो इकोनॉमिक रूप से रिलायंट होती है, उसको कोई नहीं दबा सकता, वो डिसीजन मेकिंग खुल के करती है। जो बेचारी डिपेंडेंट होती है वो बोलेंगे कि भैया छोड़ देंगे तो बेचारी सोचेगी चलो ठीक है यार बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो लोग ऐसे भी शोषण के शिकार हैं और मेरा प्रैक्टिकली देखा हुआ है, आप लोगों ने भी देखा होगा, ठीक है ना। ये सब चीजें यही मैं बोलता हूं कि दिल्ली में है ना, आप देखेंगे हरियाणा में देखेंगे, तो मैं हमेशा पूछता हूं कि हरियाणा साइड में क्यों वुमेन्स के प्रति जो है आपकी हिंसा ज्यादा है और स्टेट्स के अकॉर्डिंग क्यों ज्यादा है, क्या कारण है उसका, ठीक है। तो उसको मैं इसीलिए सोचने के लिए वो डोमेन देता हूं आप लोगों को कि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि इनसफिशियंट क्वालिफाइड स्टाफ, तो ठीक बात है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत ही वो कमी आ गई। दूसरी चीज लास्ट में लिख दिए इनएडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज एंड प्रोसीजर्स, बताइए इसमें कहीं भी सोसाइटी या हमारी इंडिविजुअल्स मेरी आपकी किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर बताई गई। आप बताइए जब हमारे घर में लोकतंत्र नहीं है, हमारे घर में महिलाओं का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं होता है, जो पिताजी ने बोल दिया वो फाइनल कर दिया। मैं मानता हूं कि कुछ प्रोग्रेसिव फैमिलीज होंगी, मैं जब कोई बात कर रहा हूं निष्कर्ष में बात कर रहा हूं, निष्कर्ष बहुमत से निकाला जाता है ना, 100% में मोर देन 50% तो आज भी घर इंडिया में ऐसे हैं जहां पर इसी तरीके से डिसीजन मेकिंग होती है। हाँ, तो आप बाहर कैसे सोचते हैं, अरे एक 16 साल का लड़का है और उसकी सिस्टर अगर 13 साल की है, रात को अगर सामान लेने 8 बजे के बाद जाना है तो बोलेंगे ना कि तू छोटे वाले लड़के को मतलब भैया को लेके जा, अपने साथ में भाई को लेके जा। उसी समय से आप वो बीजारोपण करते हैं कि लड़की कमजोर है, ऐसा नहीं होता है। मैरी कॉम भी है, पीवी सिंधु भी है, कौन नहीं है, हाँ? वो सब लड़कियों ने करके दिखाया है जो, और आज की डेट में मैं बता रहा हूं पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि हर फील्ड में आप देख लीजिए कहां लड़कियों ने जो है अपनी खुद की एक जो है स्थापित रूप से अपनी इमेज को स्थापित किया है कि नहीं, हर जगह सक्सेस रेट उनका ज्यादा है, ठीक है। चाहे आप कोविड में भी देख लीजिए, चलिए देखिए कोविड में जहां जहां पर वुमेन्स वहां पर लीड कर रही वहां पर परफॉर्मेंस जो है प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में देखिए, ठीक है ना, वो मतलब ये यहाँ पर अपने एमपी की एक सरपंच भी हैं, उनका नाम भी बहुत फेमस है, जस्ट स्लिप हो रहा है, मेरे को याद भी था, मैंने कई बार आपको बताया भी है ना, रैंडमली याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या चीजें बताने जा रहा हूँ वो आपको समझना। अब आज आप क्या आंसर लिखेंगे, क्या क्वेश्चन है आपके लिए आज का, तो आज का क्वेश्चन ये है कि भारत में महिलाओं की स्थिति का क्या कारण है जो वर्तमान में भी उनकी आर्थिक स्थिति अपेक्षित रूप से सुदृढ़ नहीं हो पाई है। इसको आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स में क्रिटिकली इवेल्युएट करिएगा, उसके बाद इसके लिए सरकार ने क्या नीतियां अपनाई हैं और वो कहां तक इफेक्टिव है, और अगर इफेक्टिव नहीं है उसमें लूप होल्स है तो किस तरीके के सुधार अपेक्षित हैं, ये लिखिएगा 250 शब्दों में, है ना, मेंस पर्सपेक्टिव में, ठीक है ना, और जरूर लिख के पोस्ट करिएगा। आगे की ओर चलेंगे, नेक्स्ट यहां पर देखिए मैप के थ्रू बताया गया है, मैप वगैरह डेली देखना चाहिए हम लोगों को, है ना, जब भी लीजर का टाइम हो आपका, कुछ कर रहे हो, आप खाना वाना खा रहे हो तो मैप वगैरह देखा करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा न्यूज है ये इंपॉर्टेंट है, आईआर का है, आरसीईपी काफी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोर टॉपिक है आपका आईआर का, ठीक है। ये सीधी बात है कि ये जो है आपका रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। देखिए जैसे हमारा इंडिया है, अब ये साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है ना, इधर आप चले जाएंगे तो ये आपका लैटिन अमेरिका, बीच में अफ्रीका है, ये यूरोप है आपका, है ना, मतलब यूएसए है, ये यूरोप वाला। तो एरिया वाइज देखिए ग्लोब में तो डेवलप्ड और डेवलपिंग स्टेट है ना, कॉलोनीज थी, फिर डीकॉलोनाइज्ड हुई, डीकॉलोनाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई, हर देश जो है वो स्वतंत्र हुआ,
तो वर्ल्ड ऑर्डर में जो है सबसे ज्यादा जिनका मतलब एक तरीके का दबदबा था किसका था, डेवलप्ड स्टेट्स का था, यूएसए हो गया, P5 को ले लीजिए आप। उसके बाद डेवलपिंग स्टेट्स भी धीरे धीरे डेवलप हुई, है ना, एशियन टाइगर्स वगैरह आप लोगों ने सुना होगा। तो भैया क्षेत्रीय विकास के लिए भी उनके समानांतर यहां पर रीजनल जो इंटरेस्ट है उनको जो है बनाए रखने के लिए इस तरीके के इंस्टीट्यूट की जो है, इंस्टीट्यूट गलत वर्ड हो जाएगा, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना आवश्यक होता है, है ना। जो आप लोग सुनते भी होंगे, क्या सुनते होंगे, ग्लोबल साउथ सुनते होंगे, 1970s के बाद जो है ये दौर देखने को मिलता है वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। अब इधर चाहे स्ट्रेटेजिक हो, चाहे यहां पर इकोनॉमिक हो कोई कॉपरेशन, और चाहे क्या हो आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, है ना, स्ट्रेटेजिक हो, तो वो सब चीजें। तो अब ये कैसा है, इकोनॉमिक है, है ना, कि क्या है कि यहां पर आर्थिक साझेदारी है। आर्थिक साझेदारी का मतलब क्या कि 90s के बाद से जो है आपका एलपीजी लागू हो गया, तो भैया एलपीजी लागू हो गया तो फ्री ट्रेड करना है, फ्री ट्रेड करना है तो भैया क्षेत्रीय जो आपके ऐसे समझौते हो तो उसमें कुछ जो आपके टैक्सेस हैं, ड्यूटीज हैं, उसमें कुछ छूट दी जाती है ताकि जो है वहां पर ज्यादा से ज्यादा व्यापार को बढ़ावा देके इस पूरे क्षेत्र का समग्रता से विकास किया जा सके, है ना, इंक्लूसिव मैनर में सबको उसका बेनिफिट दिया जा सके। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है इस बॉडी के पीछे। अब हम यहां पर जो है यहां पर फैक्ट्स देख लेते हैं कि भैया ये क्या बताने जा रहे हैं। तो ये सीधी बात है, यहां पर लिखा है कि After India opted out of the discussion last year जो है इंडिया जो है इन चर्चाओं से बाहर होने मतलब बाहर हो गया था, और the new trading block has made it clear, सीधी बात है कि अगर भारत बाहर हो गया तो यहाँ पर trading block की एक स्थिति हो गई, जैसे आप US और China का देख रहे थे ना, blockage हो गया भैया, है ना, अगर वहाँ से हट गए तो, that the door will remain open for India to return to the negotiate, मतलब जो भी आपकी negotiating table है उस पर जो है वो लौटने के लिए मतलब वो रास्ता खुला हुआ है। नॉर्मल सी चीज है, रेफरेंस बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया आरसीईपी होता क्या है, सब पता होगा आप लोगों को, बिल्कुल कोर पार्ट है, नोट डाउन करके 4-5 पॉइंट जो है नोट डाउन करके किनारे रखिए इसको, ठीक है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो लार्जेस्ट रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट टुडे, है ना, The RCEP was originally being negotiated between 16 countries, जो आपका आशियान है, ठीक है ना, आशियान members हो गए, and the countries with which they have free trade agreements, देखिए ये है हमारे लिए important, free trade agreement, नाम से समझ में आ रहा, free trade agreement, namely Australia, China, Korea, Japan, New Zealand and India, ठीक है ना, normal सी चीज़ है, note down कर लीजिएगा इसको। इसका purpose क्या होगा, क्या होगा पर्पस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, मेक इट इजियर फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ ईच कंट्री टू बी अवेलेबल इन दिस रीजन, है ना, जो आपका पूरा ये रीजन वाली बात कर रहे हैं, ठीक है ना, साउथ ईस्ट एशिया की। उसके बाद टू कंप्लीट द डील हैड बीन ऑन गोइंग सिंस 2013, इसके बाद भारत बाहर क्यों गया था, है ना, उसका कारण बता रहे हैं। तो 4th ऑफ नवंबर 2019 इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि भैया इससे बाहर हो जाएंगे हम, है ना, डिस्कशन से बाहर रहा। ऑन सिग्निफिकेंट आउटस्टैंडिंग इश्यूज अकॉर्डिंग टू अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, भारत सरकार ने ऐसा बताया कि इंडिया वॉज सोनली रेजिंग फंडामेंटल इश्यूज, भारत अकेला ही वहां पर मौलिक मुद्दों की जो है चर्चा कर रहा है, तो ये एक कंसर्न जताया भारत ने, एंड एक्सप्रेस कंसर्न ड्यूरिंग द नेगोशिएशन एंड वॉज मोटिवेटेड टू टेक दिस स्टैंड एज they did not resolve by the deadline to sign the agreement, it was done, normal si cheez hai। iske baad jo hai aage ki or chalenge, aur yahan par likha hai ki india ne ye jo decision liya tha वो क्यों लिया था। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर की बात आ गई, सबसे ज्यादा की पॉइंट जो है, मेन पॉइंट जो इसका है, वो क्या, किस तरीके के इंटरेस्ट को जो है वहां पर जो है संरक्षित कंजर्व करना चाह रहा था भारत, है, तो एज एग्रीकल्चर एंड डेयरी आपका प्राइमरी सेक्टर हो गया ये, यहां तो हम किसानों की आय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, गोकुल मिशन लागू कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के साथ हम जो है डेयरी वगैरह को भी प्रमोट कर रहे हैं, है ना, डिफरेंट सेक्टर्स पे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। भैया हमारे यहां आज भी 55 से 60% जो पीपल है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है सीधा सीधा जो है आपके जुड़े हुए हैं किससे, प्राइमरी सेक्टर से, ठीक है ना। तो उनके हितों का जब तक हम संरक्षण नहीं करेंगे भारत का कभी भी समावेशी विकास हो ही नहीं सकता, तो हम इसलिए इससे बाहर चले गए थे, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि डेयरी एंड फॉर नॉट गिविंग एन एडवांटेज टू द सर्विस सेक्टर ऑफ द कंट्री, क्योंकि हमारे यहां जो डेवलपमेंट है प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्टली हम टर्शियरी सेक्टर में आ गए, बीच में जो आपका सेकेंडरी जो आपका इंडस्ट्री वाला सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग वाला वो हमारा गैप रह गया, इसी को बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल जो आपके यहां क्या है कमी है, हमारे यहां संरचनात्मक जो कमी है हमारी आर्थिक विकास में वो यहां पर है, इसलिए आज की डेट में सरकार यहां काम कर रही आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया, है, इंपोर्ट जो इंपोर्ट आपकी चीजें कर रहे हैं चाइना से उसको बैन कर रहे हैं, हम घरेलू मतलब स्तर पे उसका उत्पादन करना चाह रहे हैं, आपके समझ में आ रहा है ना मैं कहां ले जा रहा हूं आपको आर्टिकल से, आर्टिकल पढ़ना आपके लिए बड़ा आसान है, नॉर्मली आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, जो मैं ये अलग से चीजें बताता हूं उसी लिए मैं यहां पर हूं, ठीक है ना, अगर पढ़ना होता सिर्फ
तो मैं खुद भी डिनाई कर देता, ठीक है ना, कि सिर्फ पढ़ने के लिए यहां पर है ना, आपको इससे लाभ होना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करता हूं मैं। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि द करंट स्ट्रक्चर ऑफ द आरसीपी स्टिल डज नॉट एड्रेस दीज इश्यूज एंड कंसर्न, तो अभी भी जो है इन समस्याओं का समाधान वहां नहीं किया गया है। और implications of this agreement for China, यहाँ पर जो है चाइना के लिए इसके क्या निहितार्थ बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी tensions चाइना के साथ भारत की बढ़ती जा रही है ना, वो आपका एक major reason है भारत के इस निर्णय में, क्योंकि जब भारत वहाँ अकेला अलग थलग पड़ जाएगा तो जो निर्णय होंगे वो sure shot है कि हमारे हित में नहीं होंगे, भारत देश के हित में नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अल्दो चाइनाज इन्वॉल्वमेंट इन द डील वॉज ऑलरेडी proving difficult for India due to various economic threats, the relation between the two countries have showed relation due to the confrontation in the जो आपका कौन सा वैली है आपकी बताइए, गलावन जो आपकी घाटी है उसको लेकर, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ जो है लगातार जो है आप देख रहे हैं सीमा पर विवाद बना हुआ है चाइना के साथ, तो वो रेपिटेटिव है, वही रीजन है, इतने बड़े पैराग्राफ में लिख दिया गया है बस यहाँ पर। इसके बाद बताया जा रहा है कि ये एग्रीमेंट जो है वो हेल्प करेगा चाइना को गेन एक्सेस टू जापान एंड साउथ कोरिया, सीधी बात है भारत बाहर होगा तो वो जापान एंड साउथ कोरिया के मार्केट को एक्सेस कर सकेगा ऑन लार्ज स्केल, ठीक है ना। और वैसे भी वो जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग करता है और जो है उसका एक्सपोर्ट लेड जो है पूरी की पूरी GDP की ग्रोथ है ना, तो वो तो हमेशा नए मार्केट्स को तलाशता रहता है, इसीलिए उसने जो है बेल्ट रोड इनिशिएटिव बनाया, उस वो मतलब परफेक्ट जो है वो अपना एक्सपेंशन जो है पूरे वर्ल्ड मार्केट में जो है बना के इसी तरीके से रखा है उसने, है ना। तो वो तो मार्केट ढूंढ रहा है, उसको उससे फायदा हो जाएगा। उसके बाद यहां पर लिखा गया है इट इज नोटवर्दी दैट द थ्री कंट्रीज हैव नॉट एट साइन एनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमंग देमसेल्फ, ठीक है ना। जो आरसीपी है वहां पर बता रहे हैं कि लैक्ड क्लियर एश्योरेंस, ठीक है ना, वहां पर जो क्लियर एश्योरेंस है उसमें लैक देखा जा रहा है ऑन मार्केट एक्सेस इशूज इन कंट्रीज लाइक चाइना एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑन इंडियन कंपनीज दैट कैन नाउ बी ओवरकम, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीजें देख लीजिएगा। और यहां पर यह लिखा गया है आगे कि जो ये आपकी मतलब चाइना के बारे में बता रहे, चाइना हैज ऑलरेडी साइंड सेवरल बायलेटरल जो आपकी ट्रेड एग्रीमेंट, वो बायलेटरल लेवल पे मल्टीलेटरल लेवल पे सब तरीके से लगा है उसको। मैं बार बार आपको ये वर्ड बोलता हूँ सेंटेंस कि 2049 तक उसका एक ही जो है एम है कि पूरे वर्ल्ड में जो है उसको फर्स्ट नंबर की इकोनॉमी देश बनना है चाइना को। 70 के दशक से देख लीजिए, बार बार मैं बोलता हूँ ओपन डोर पॉलिसी, माओ से डेंग हो, हु जिनताओ है आपके, शी जिनपिंग हो, आप किसी के भी टेन्योर देख लीजिए, उनका लक्ष्य सिर्फ एक है ना, और उस पर वो काम भी करते हैं। देखिए उनके काम पे कोई शक नहीं है, मेहनत तो करते ही है ना, तभी तो आगे हैं वो, हर चीज से जो है ओवरकम हो किया जाते हैं, ठीक है ना। तो चाइना हैज ऑलरेडी साइंड सेवरल बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बट दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज साइंड एनी रीजनल मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टाइम जो है वो मल्टी, जहां से उसको बेनिफिट दिखेगा वो वैसे जो है एग्रीमेंट्स में खुद को जो है इंडल्ज करता ही करता है। तो यहां पर उसको बहुत अच्छी से दिखाई दिया, तो भैया उसने उसको भी हस्ताक्षर कर लिया। अब यहां पर भारत का पक्ष बताया जा रहा है, तो भारत ने बताया कि इंडिया डिसीजन विल अफेक्ट इट्स बायलेटरल ट्रेड रिलेशन विद आरसीपी मेंबर कंट्रीज, सीधी बात है उससे बाहर हो जाएंगे तो जो उनके बायलेटरल जो रिलेशन है उनकी मेंबर कंट्रीज के साथ, उसके साथ जो है वहां पर उतार चढ़ाव देखा जा सकता है ना, वो उसको प्रभावित करेगा। एज दे कैन फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक रिलेशन विद इन द ब्लॉक, ठीक है ना, तो वो सीधी बात है ना, ब्लॉक के भीतर ही फिर वो अपना आर्थिक संबंधों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये संभावना है, अभी कंक्लूजन नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद द मूव कुड लीव इंडिया विथ लिटिल स्कोप टू टैप द लार्जर मार्केट प्रेजेंटेड बाय आरसीपी, तो सही बात है, जो आरसीपी के आपके लार्जर मार्केट है वहां तक भारत की एक्सिस को जो है वहां पर नुकसान पहुंच सकता है, एक्सिस हमारी बाधित हो सकती है। द डील साइज इज ह्यूज एज अकाउंट ऑफ मोर देन 2 बिलियन कंट्रीज जो है आपकी कंप्राइजेस द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है ना, तो ये इसकी स्ट्रेंथ बता रहा है कि भैया इस ग्रुप की कितनी स्ट्रेंथ है ना, ये सब आंसर पहले आना चाहिए हमारे कि कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी को कितना कवर करता है, तो उससे हम बताते हैं एग्जामिनर को भैया ये इसकी इंपॉर्टेंस है, अगर ये हमारे पास रहेगा तो क्या फायदा होगा, नहीं होगा तो क्या लॉस होगा, दैट्स इट, फैक्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है बस। Given the efforts by countries like Japan to bring India back into the deal, there is also concern that India's decision could affect the Australia-India-Japan network into the कहां इंडो-पैसिफिक रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये सब चीजें क्या है, ये पॉइंट लिखने के तरीके है ना कि किससे किससे जो है वहां पर संबंध प्रभावित हो सकती है, ये assumption है। उसके बाद India has trade deficit with 11 of the 15 RCP, जो RCEP countries, अब देखिए 15 देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध है, उसमें 11 के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है ना, चाइना के साथ तो हटा ही दीजिए, बहुत ह्यूज ट्रेड डेफिसिट होता है हमारा उसके साथ। एंड सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट इंडिया हैज बीन अनेबल टू लेवरेज इट्स एग्जिस्टिंग बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद मैनी आरसीपी मेंबर्स टू इंक्रीज
एक्सपोर्ट्स, ठीक है ना, उसमें भी जो है असमर्थता देखी जाएगी। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि इंडिया जो है आपका ओरिजिनल नेगोशिएटिंग पार्टनर रहा है आरसीईपी का, हैज द ऑप्शन टू जॉइन द एग्रीमेंट विदाउट वेटिंग फॉर द 18 मंथ शेड्यूल फॉर द न्यू मेंबर्स अंडर द एग्रीमेंट। इंडिया कैन अटेंड मीटिंग एज एन ऑब्जर्वर प्रायर टू इट्स जो आपका एक्सेशन है, तो पर्यवेक्षक के रूप में वहां पर जो है बैठकों में भाग ले सकता है, ठीक है ना। उसको 18 महीने का वेट करने की जरूरत नहीं है जैसे नए मेंबर को करना पड़ता है, क्योंकि जो है हम जो है वहां पर ओरिजिनल जो नेगोशिएटिंग पार्टनर है के अंतर्गत हम वहां पर स्थापित हैं, ठीक है ना। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी बिल्कुल बेसिक है, जीएस पेपर 2 का पार्ट ही है आपका, क्वालिटी से रिलेटेड है। तो ये जो आपका विंटर सेशन होता है उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो सीधी बात है कि फ्यूअर चांसेस ऑफ विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि कोविड वगैरह की प्रॉब्लम है, अभी सेकंड वेव भी स्टार्ट हो गया है। वेस्ट साइड में जर्मनी यूरोप देखेंगे तो वहां पर लॉकडाउन भी हो गया है, ठीक है ना। टेम्परेचर लो हो रहा है और आपको पता है कि ये जो आपका मतलब वायरस है ना, है तो सार्स ग्रुप का, लेकिन अभी तक जो है वैक्सीन नहीं आई है और ऐसा बोला जा रहा है 2-4-6-8 महीने और नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यहां पर जो है इस तरीके के मेजर्स लेना इंपॉर्टेंट भी है। तो द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉलिंग अ विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट has diminished लिखा हुआ है, as corona infection have क्या इंक्रीज, अभी जो है एकदम से सडनली जो है बहुत ज्यादा केसेस जो है देखे गए हैं दिल्ली वगैरह में। तो की पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, सीधी बात है कौन बुलाएगा, प्रेसिडेंट बुलाएगा, कि मतलब जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वहां पर जो है जहां भी वो उचित समझते हैं वहां संसद की बैठक को बुला सकते हैं। वो आर्टिकल कौन सा है आपका, 85 है, क्या है, 85 है, ठीक है ना। और इसी की तरीके से आप देखेंगे यहां कहां स्टेट्स में है ना, स्टेट्स में देखेंगे आप तो वहां पर कौन बुलाता होगा, कौन आहूत करता होगा, तो वो आपके राज्यपाल होंगे। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि यहां पर आर्टिकल 85 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रोविजन किया गया है कि प्रेसिडेंट मे एज ही थिंक फिट, मतलब थिंक्स फिट, कॉल अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट दैट टाइम एंड प्लेस, सीधी बात है। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि नाउ नेक्स्ट ईयर विल बी द बजट सेशन डायरेक्टली फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ जनवरी, क्योंकि देखिए विंटर सेशन का टाइम निकल जाएगा तो आपको पता है वैसे भी जनवरी लास्ट में जो हमारे यहाँ बजट सेशन जो है स्टार्ट होता है, तो अब डायरेक्टली वही सेशन होगा, ठीक है ना आपका। और उसके बाद नॉर्मली द विंटर सेशन स्टार्टेड अराउंड 20th November विच लास्टेड टिल 15 December, यही टाइम ही है इस टाइम पर स्टार्ट होता है, बट दिस टाइम ड्यू टू कोरोना क्राइसिस देयर इज नॉट इवन अ बस टू कॉल अ विंटर सेशन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं ये पॉइंट हमारे लिए, ठीक है ना, कि कब स्टार्ट होता है कब नहीं, एक नॉर्मल आप याद रखिएगा नवंबर दिसंबर में होता है। तो कहने का मतलब ये कि ये कहानी टाइप की हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अब आप पॉलिटी में देखिए एक बार कि हमारे यहां जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है किस तरीके से रन होता है, किस तरीके से बिल लाते हैं, किस तरीके से रखते हैं, कैसे 108 में क्या है ज्वाइंट सेशन, 110 आर्टिकल में क्या है मनीबल, है ना, किस तरीके से 111 में वीटो है, किस तरीके से बजट पास होता है 112 113 114 115, मैं एक आइडिया दे रहा हूं, इस तरीके से जो है हमको कोर को जो है कंप्लीट करना होता है, तब कोई प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग नहीं होती है ना, कि प्रीलिम्स के लिए अलग से पढ़ना, अरे टॉपिक मिला है, जब हमको जो टॉपिक मिलेगा हम उसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से रेडी कर लेंगे, क्या बार बार वही चीजों को हम मतलब पढ़ते रहेंगे और रिपीट करते रहेंगे। रिवीजन करिए ना, प्रोडक्टिविटी ऐसे बढ़ती है। अब आज आप पार्लियामेंट्री से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ के दीजिए, चार घंटे में कंप्लीट हो जाना है, आपको कहां से कहां तक पढ़ना है, ठीक है। आप देखिए आर्टिकल 79 से संसद शुरू होगी आपकी, आर्टिकल 122 तक, 123 में आपका ऑर्डिनेंस है, ठीक है ना। तो 79 से आप 79 में है 80 मतलब वहां पर राष्ट्रपति के मतलब प्रधानमंत्री की ड्यूटी की बात की गई है ना कि भैया ऐसा है कि 78 की बात करें 78 की, तो वहां प्रधानमंत्री के कर्तव्य की राष्ट्रपति को बताएंगे, 79 में बता दिए कि संसद बनेगी, किससे मिलकर बनेगी, तो आपके प्रेसिडेंट होंगे प्लस राज्यसभा और प्लस लोकसभा। तो आप देखेंगे कि 79 में आपका संसद के गठन के बारे में बता दिए, 80 में आपका आ जाएगा राज्यसभा, देन लोकसभा। तो ये सारी चीजें 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक जो भी जानकारियां हैं वो आज आप एकत्रित करके उसको A4 साइज के पेपर में नोट डाउन करके किनारे लिखिए और है ना, और उसको यहां पर मतलब जो है वो बिल्कुल कॉन्क्रीट बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमेशा के लिए हो जाएगा। तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि किसी भी सत्र को बुलाने से कम 15 का जो है टाइम दिया जाता है प्रायर, ठीक है ना, तो सो दैट द मेंबर कैन सेंड क्वेश्चंस फॉर द क्वेश्चन आर एंड द कंसर्न्ड एजेंसीज एंड द लोकसभा एंड राज्यसभा सेक्रेटरीट कैन कंप्लीट देयर प्रिपरेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेशन। सीधी बात है, सेक्रेटरी लेवल के जो असिस्टेंट्स वगैरह होते हैं वो उनका सेक्रेटरीट उनको प्रोवाइड करता है, और यहां पर टाइम इसलिए दिया जाता है ताकि जो है वहां पर क्वेश्चन, आपको पता है ना कि संसद पर जैसे मान लीजिए कि रिव्यू करना है हमको, एक रिव्यू मतलब क्या, उसको रिव्यू करने की जो प्रणाली है वो एक तरीके की ये भी है ना, कंट्रोल करने की, क्या क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे भैया ये योजना थी इसको आप कैसे किए, दो तरीके स्टार्ट और अनस्टार्ट दोनों होते हैं
है ना, वो क्वेश्चन लिखित रूप से भी होते हैं, मौखिक भी होते हैं। तो जो मौखिक होगा उसके लिए तो टाइम दिया नहीं जाता एट अ टाइम, लेकिन जो लिखित होता है उसको लिखित में देना तो कुछ टाइम मतलब चाहिए होता है। तो इस तरीके के बंदोबस्त करने के लिए भी उसके पहले की बात कर रहा हूं, जब बुलाया जाना है तो सत्र को बुलाने से पहले 15 दिन का भी प्रायर जो है वहां पर जो है उनको समय दिया जाता है मेंबर्स वगैरह को, ताकि वो जो है प्रिपेयर हो जाए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस देयर शुड बी मोर देन 6 मंथ्स टाइम पीरियड, है ना। कहने का मतलब यह है कि जो आपके 2 सेशन है उनके बीच में जो है 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि एटलीस्ट 1 ईयर में दो सेशन होने चाहिए। तो इस बार अगर विंटर सेशन नहीं भी होता तो 2 सेशन आपके हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से आप उसको समझिएगा। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि ये जो आपका मतलब अगला सत्र होना था वो 6 महीने की अवधि के दौरान होना चाहिए था, ठीक है ना, है ना। ये बताया जा रहा है कि जो टाइम पीरियड था बिटवीन 2 सेशन वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो द सेशन हैज टू एंड इन सेप्टेंबर इज दैट द नेक्स्ट सेशन शुड बी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है। तो 6 महीने का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई व्हेन एंड हाउ मेनी डेज ऑफ पार्लियामेंट सेशन शुड बी हेल्ड। सीधी बात है, वहां पर ऐसा कोई भी जो प्रावधान नहीं किया गया, डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन कहीं लिखा ही नहीं गया कि इतने दिन तक बैठक चलेगी, ठीक है ना। तो और यहां पर लिखा गया है कि पार्लियामेंट्री सेशन के क्या इंपॉर्टेंस है, तो भैया सीधी बात है, ये क्या है आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कैसा रिप्रेजेंटेटिव यहां पर डेमोक्रेसी बोलिए। तो रिप्रेजेंटेटिव कौन चुनते हैं, आप, सरकार किसकी है, आपकी है। सारी जो शक्तियां हैं किस पे है, तो हमारी जनता पे है। वी आर क्या है, सोवरेन, संप्रभु। सारी जो आपके अधिकारों का स्रोत है, जो शक्तियों का स्रोत है, वो कौन है, जनता है। जनता के ही कंसर्न से जो है उनके ही सहयोग से क्या बना है, संविधान बना है। संविधान से ही सारी शक्तियां किसको मिली है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, कोई भी बॉडी हो। तो कहने का मतलब ये कि जो वहां पर आपके रूल मेकर्स हैं, जो विधि निर्माता है, उनको चुना आपने है, ठीक है ना। तो यहां पर पार्लियामेंट्री सेशन होता ही इसलिए कि वहां डिस्कशन किया जाए और फिर देश के विकास के संदर्भ में जो भी नीतियां हैं उनका वहां पर इंप्लीमेंटेशन किया जाए, ठीक है ना। तो वर्क रिलेटेड टू लॉ मेकिंग इज डन, ठीक है ना। तो सीधी बात है कि जो भी विधि निर्माण की आपकी संस्था है वो आपकी पार्लियामेंट्री है, विधि निर्माण वो करेगी पार्लियामेंट्री, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करेंगे। और इन दोनों से अलग एक तीसरी बॉडी है जो बिल्कुल अलग है, ये तो ओवरलैप देखते हैं आप। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में हमारे यहाँ स्पेशल फीचर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो हमने अपनाया है कनाडा की तरफ का जो सिस्टम है वो उससे हम ज्यादा मतलब वो हमारे ज्यादा करीब है इंडियन जो आपका क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है ना, क्योंकि सेंटर को ज्यादा पावरफुल यहाँ पर बनाया गया। अब कॉपरेटिव कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म की बात की जा रही है, तो यहां पर जो तीसरी बॉडी है वो आपकी जुडिशरी है, जो इनके काम को क्या करेगी, रिव्यू करेगी किस ग्राउंड पे, कि भैया रूल ऑफ लॉ तो मेंटेन किया जा रहा है ना, यहां पर किसी तरीके के रूल्स का जो है वायलेशन तो नहीं किया जा रहा, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं किया जा रहा है ना। तो तीनों की आपको जो है एक समझ होनी चाहिए, है ना, लेमैन की लैंग्वेज में, है ना, रटना वटना नहीं है किताबों से, है किताब कोई भी हो, डीडी बसु हो, सुभाष कश्यप, लक्ष्मीकांत, कोई भी किताब हो, संसद नहीं बदल जाएगी, ठीक है ना, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर देन क्लियर। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है, इन डेप्थ स्क्रूटनी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड डेलिबरेशन ऑन नेशनल इश्यूज कैन ओनली टेक प्लेस व्हेन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेशन आर रिलीज। सीधी बात है, ठीक है ना, इसमें कुछ भी जो है मतलब किसी भी तरीके के स्पेशल चीज नहीं बनाई गई। इसके बाद विद दिस द अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन, अकाउंटेबिलिटी, चलिए आप देखिए कहाँ कहाँ से अकाउंट क्वेश्चन आवर पूछ सकते हैं आप। दूसरी चीज, उसके अलावा जो बजट पेश किया जाता है वहां पर, है ना, अप्रोप्रिएशन बिल वगैरह आप लोग देखते होंगे, कुछ जो फंड चार्जेस जो चार्ज होते हैं आपके कंसोलिडेटेड फंड, जो आप फंड वगैरह देखते होंगे आर्टिकल 266, आर्टिकल 267, जो 266 से आपका वो क्या है, आपका क्या है पब्लिक अकाउंट वगैरह, उसके अंतर्गत आता है ना। और कंटिंजेंसी जो आपका फंड है, है? वो किस में आता है, अच्छा मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, 266 और 267 जो आपका आर्टिकल है इसमें कौन सा, किस में आपका कंटिंजेंसी फंड है, किस में आपका कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक फंड है, ठीक है, ये सब देखा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 112 में आपका एनुअल फाइनेंशियल जो आपका स्टेटमेंट है, जिसको जनरल हम लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं टर्मिनोलॉजी में कि बजट है, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। तो इससे अकाउंटेबिलिटी वगैरह भी तय की जाती है, ठीक है ना, जैसे लोक लेखा आपकी कमेटी वगैरह होगी, है ना, फाइनेंशियल जो आपकी कमिटीज वगैरह हो गई, डिफरेंट कमेटी होंगे, रिव्यू करती हैं उनको, ठीक है ना, और भी बहुत सारे जो है प्रावधान वहां पर किए गए हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन कैन बी फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू आउट द ईयर। इट इज पॉसिबल टू मेक डिटेल्स प्लान्स फॉर लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी वर्क थ्रू आउट द ईयर। दिस डज नॉट रिक्वायर द इनएक्टमेंट ऑफ द क्या ऑर्डिनेंसेस, ठीक है ना, इसलिए अध्यादेशों को लागू। अब ये क्या पॉइंट है बताइए, अध्यादेश लाया कब जाता है, जब सेशन नहीं चल रहा होगा, विश्रांति काल होगा, तभी तो लाएंगे, वो स्पेशल पावर दी गई है कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट कोई, जैसे निर्भया कांड के समय, अब मान लीजिए कोई बहुत अत्यावश्यक कोई नियम बनाना है वहां पर, तो ऑर्डिनेंस लाया जाता है ना, लेकिन कोर्ट ने बोला है कि भैया डीसी वाधवा वाले केस के बाद से, आप 1986 के बाद से रेगुलर कोर्ट की जो है कमेंट्री आप सुनिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की, तो उन्होंने बोला कि भैया जो आपका अध्यादेश की शक्ति है वो संसद
की विधि बनाने की शक्ति के समानांतर या पैरेलल नहीं है, इस बात को समझ लीजिए, है ना। ये स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए आपकी अत्यावश्यक, जिसमें देरी विलंब नहीं की जा सकती है, तो तुरंत लाइए। उसके बाद सेशन जैसे ही आपका लगेगा तो उसके अंतर्गत फिर जो है आप उसको क्या कराइए, 6 हफ्तों के अंतर्गत वहां पर क्या कराइए, उसको वापस से पास कराइए, तभी बिल बनेगा, और नहीं तो लैप्स हो जाएगा आपका अध्यादेश। तो इसका कोई सिस्टम ही नहीं है इसमें, है ना। ये पॉइंट जो है आप देख जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड पेपर 2 में रख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है रिफ्यूज कर दिए हैं अपनी हार को, वो हमेशा ही कुछ स्पेशल करते हैं कमेंट करके। उन्होंने बोला भैया मैं हारने के लिए हारा नहीं हूं, मुझे जो है वो ब्लफ किया गया है मेरे साथ, ठीक है ना। तो US प्रेसिडेंट जो है आपके डोनाल्ड ट्रंप वंस अगेन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिफीट फ्रॉम डेमोक्रेटिक राइवल जो बिडेन ऑन मंडे एंड इंसिस्टेड दैट ही रिकॉर्डेड अ विक्ट्री इन द लास्ट नवंबर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है ना। तो यहां पर जो है की पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। ये हमारे लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कभी भी नहीं पूछेगा कि हारे क्यों हारे, क्या बोल रहे हैं ट्रंप, ये कहानी जैसी है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला कि भैया 232 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं ट्रंप के पास, और उन्होंने जो एरिया की बात कर रहे हैं, जैसे आपका पेंसिल्वेनिया है, नेवाडा है आपका, मिशिगन है, जॉर्जिया है, एरिजोना है आपका, तो इन जो राज्यों में जो आपका जो भी रिजल्ट आया है उसको उन्होंने जो है वहाँ पर चुनौती दी है। और उन्होंने बोला है कि विस्को जो आपका विस्कोन्सिन है ना, जो विस्को इंसिन है आपकी जगह, वहाँ पर भी उन्होंने बोला है कि रिकैलकुलेशन करवाया जाए, ठीक है ना। विस्कॉन्सिन जो है आपका, ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ें मत देखिएगा, इसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया दे हैव फिल्ड सूट्स इन मेजर प्रोविंसेस बट हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी एविडेंस। भैया बिना साक्ष्य की कोई चीज़ नहीं होती, इन्होंने कोई साक्ष्य वगैरह नहीं दिया तो भी क्लेम कर रहे हैं वो कि फ्रॉड हुआ है। इसके बाद इन द इवेंट ऑफ ट्रंप्स रिफ्यूजल टू लीव द व्हाइट हाउस, उन्होंने तो व्हाइट हाउस छोड़ने से भी इनकार मतलब कर दिया है, और मतलब अगर उनकी इंकार कर देते हैं तो क्या स्थिति होगी उसके बारे में बताया जा रहा है। ही हैज फाइल्ड लॉ सूट्स इन पेंसिल्वेनिया जो है आपका, उसके अलावा मिशिगन है, एरिजोना है, एंड आस्क द कोर्ट टू स्टॉप स्टेट ऑफिशियल्स फ्रॉम सर्टिफाइंग द वोट। बोल रहे हैं भैया रिकैलकुलेट कराओ, बट वंस लीगल डिस्प्यूट्स हैव बीन सेटल्ड एंड दे हैव बीन डिफीटेड दे हैव नो लीगल राइट टू रिमेन इन व्हाइट हाउस। तो जब तक डिबेट है वहां पर, विवाद बना हुआ, तब तक ठीक है, नहीं तो उसके बाद तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद इवन आफ्टर दिस इफ द प्रेसिडेंट रिफ्यूज टू स्टेप डाउन एक्शन विल बी टेकन बाय द सीक्रेट सर्विस एंड द FBI, और तो भी नहीं मानेंगे तो FBI और जो सीक्रेट सर्विस है वहां की वो उनके ऊपर ले सकती है। व्हाइट हाउस इज कंट्रोल्ड बाय द FBI एंड द सीक्रेट सर्विस, है ना, मूवीज वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा FBI वगैरह, वही जो है वहां पर मॉनिटर करती है, कंट्रोल वगैरह करती है, सुरक्षा वगैरह देती है। हैज एनी प्रेसिडेंट हैवर रिफ्यूज्ड टू लीव द व्हाइट हाउस बिफोर, तो बोला जा रहा है कि भैया इनसे पहले जो है किसी राष्ट्रपति ने ऐसा कुछ किया है, तो बिल्कुल नहीं किया है, ये अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, यही इस टाइप की कमेंट्री करते हैं। इनके पूरे कार्यकाल के दौरान आपने देखा होगा, है ना, हमेशा ही भयंकर वाली जो है वो करते रहते हैं। इनको बोला भी जाता है अनएक्सपेक्टेड, IR में एक वर्ड यूज करते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कभी भी कोई भी निर्णय ले लेते हैं, ठीक है ना। तो नेवर इन अमेरिकन हिस्ट्री हैज अ प्रेसिडेंट रिफ्यूज टू लीव द व्हाइट हाउस और पीसफुली ट्रांसफर पावर ऑफ द 44 US प्रेसिडेंट्स बिफोर ट्रंप, और ये 35 जो है आपके प्रेसिडेंट्स वॉलंटरली हैंडेड ओवर पावर टू देयर सक्सेसर विद देयर 2 terms एंडिंग देयर टर्म और लॉस्ट इन द इलेक्शन और देयर डिसीजन नॉट टू रन फॉर री इलेक्शन। तो भैया ये पहले आदमी हैं आपके इस तरीके के। इसके बाद आगे क्यों चलेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं था वो आर्टिकल, ठीक है ना, उसको लीस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, बस पढ़ लीजिएगा उसको, नोट डाउन कुछ मत करिएगा उसमें। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है, यहां पर UAE ने जो है एक्सटेंड किया है एलिजिबिलिटी जो आपका क्राइटेरिया है फॉर गोल्डन वीजा, ठीक है ना। आपको मैंने पहले भी बताया था वेस्ट एशिया में UAE वगैरह की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा हमारे क्या हैं, प्रवासी हैं, तो वहां पर उनके हितों के संदर्भ में जो है ये हमारे लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इकोनॉमिक फ्रंट में भी, और जो हमारे यहाँ रेमिटेंसेज वगैरह आता है ना, जो फॉरेन मनी आती है हमारी वहां से, ठीक है ना, तो उन सब के संदर्भ में आपको इसको देखना है। अब यहां पर जो बताने जा रहे हैं ये, इसमें ये बताने जा रहे हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे से पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वही हमको देखने की जरूरत है। सीधी बात यह है, रेफरेंस ये है कि अभी हाल ही में मतलब जो है करंट में, जो आप करंट सिनेरियो में देखेंगे तो अभी भी उन्होंने घोषणा की है UAE ने कि उनके द्वारा जो भी आपके पेशेवर प्रोफेशनल्स हैं या स्पेसिफिक आपके स्पेशल जो डिग्री धारक हैं आपके और अन्य जो लोग हैं उनके लिए जो वो गोल्डन वीजा देता है ना अपने देश के लिए, उसका जो है एक्सपेंशन किया जाएगा, इन लोगों को उसमें शामिल करते हुए उसको विस्तारित किया जाएगा, है ना। तो सीधे सीधे वहां पर जो हमारे प्रवासी हैं उनको फायदा हो जाएगा, ये नॉर्मल सा रेफरेंस है। अब इसके की पॉइंट्स बताई जा रही है, तो यहां पर जो की पॉइंट्स है आपके कि ये जो आपकी स्कीम है, ये आपकी लॉन्ग टर्म वीजा स्कीम है, वाज अनाउंस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2018 बाय UAE अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स
और जो आपके डॉक्टरेट हैं मेडिकल डॉक्टर डिग्री होल्डर्स एंड कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रिकल बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स विल बी एबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो इतने सारे डोमेन में जो है वो बढ़ा रहे हैं। देखिए इन सबको आप प्रोफेशनल्स में रख सकते हैं, ठीक है ना। और देख लीजिए कि हमारे यहाँ से बहुत सारे जो है प्रोफेशनल्स वहाँ पर जाते हैं क्योंकि सैलरी वगैरह ज़्यादा है ना, ठीक है। वहाँ पर स्किल्स नहीं है, पैसे बहुत हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जो है जो हमारे यहाँ का वर्क फोर्स है जो स्किल्ड है वो वहाँ पर चले जाते हैं, जैसे US में चले जाते हैं, पेमेंट ज़्यादा मिलती है, सीधी बात है, जहाँ मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है वो वहाँ जाते हैं, ठीक है। तो दीज चेंजेस विल कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 1st of December 2020। ये इंपॉर्टेंट है कि 2020 के दिसंबर 1st से ये जो आपका क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। अब गोल्डन कार्ड जो है आपका वो परमानेंट रेसिडेंस स्कीम है वहाँ की, तो ये लॉन्च किया गया था 2019 में जो आपके प्रधानमंत्री हैं UAE के शेख मोहम्मद बिन राशिद के द्वारा। ये लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी प्रोग्राम है कि आराम से वहाँ पर अपना काम करें, है ना, हैसल फ्री होकर, मतलब किसी भी तरीके का वहाँ पर जो है मतलब परेशानी नहीं हो उनको, ठीक है। और द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू क्रिएट एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट इन द UAE। सीधी बात है, विल इनकरेज प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन द कंट्री एंड अट्रैक्ट न्यू टैलेंट। नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है ना। एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल नहीं है कि इसमें अलग से जो है आपकी क्या करेंगे, मतलब क्वेश्चन बना देंगे इसमें। अब देखिए इसकी जो कुछ कैटेगरीज हैं गोल्डन कार्ड की, जो वीज़ा है आपका गोल्डन कार्ड वीज़ा, उसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहली चीज़, जो आपके जनरल इन्वेस्टर हैं, ठीक है, उनको वहां पर 10 ईयर का जो है आपका परमानेंट रेसिडेंस वीजा दिया जाएगा। उसके अलावा जो रियल एस्टेट के जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है 5 ईयर का जो है इस तरीके का वीजा दिया जाएगा। उसके अलावा जो आपके एक्सलेंट जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी 5 साल का जो है परमानेंट वहां पर मतलब स्थायी जो है निवास वीजा की अनुमति दी जाएगी। उसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स और जो भी आपके पेशेवर होते हैं जैसे डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, उनको 10 सालों के लिए वहां पर वीजा दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में, और ये यहां पर बताया भी गया होगा, है ना, आगे। और यहां पर ये बताया गया है कि जो UAE है does not provide permanent residence visas to migrants, but the golden visa is the renewable 10-year visa allowing क्या किसको allow करता, migrants to stay there for longer. With a recent announcement, talented youths in the field of technology, medical and arts will also be benefit. ये normal सी चीज है, जहां जहां हम मतलब देखेंगे कि वहां पर वैसा motivation दिया जा रहा है उनको, permanent residence वगैरह दिया जा रहा है तो उनको फायदा होगा। ये तो कोई भी बिल्कुल नॉर्मल सा पॉइंट है, है ना। इसके बाद भारत को लाभ क्या होगा, तो सीधी बात है, भारत के जो यंग है, हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो स्किल्ड पीपल हैं जिनको यहाँ पर जो है उतनी सैलरी नहीं मिल रही, तो वो जाके वहाँ से सैलरी लेंगे, और जो वहाँ से सैलरी लेंगे तो भारत में वो जो है रेमिटेंसेस को भेजेंगे, उसके साथ ही जो वो है भारत में लौट के फिर एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, स्टार्टअप भी सेटअप कर सकते हैं, तो वहाँ से टेक्नोलॉजी भी लेके आ सकते हैं। जब भी हमारे यहाँ FDI आएगी, है ना, तो उसके साथ टेक्नोलॉजी आएगी, उसी तरीके से आप इसको भी वहाँ पर कनेक्ट करिएगा, ठीक है ना। और इंडिया the highest number of engineering degree holders, ये तो आपको पता ही है। According to an estimate, every year in India at least word use है, ठीक है ना, 1.5 million engineering students get bachelor's degree from various branches like IT, mechanical, electronics, electrical, civil, etc. जितनी branch आप जानते हैं सबको मिला के बोल रहे हैं। Despite such a large number of engineering graduates, only 2.5 lakh graduates get employment in the technical field. ठीक है ना, तो ये जो डेटा है इंपॉर्टेंट है। इतनी बड़ी संख्या के बाद जो भी हमारे यहाँ ग्रेजुएट होते हैं इंजीनियरिंग में, उसमें से केवल ये डेटा 2.5 लाख का है जिनको टेक्निकल फील्ड में ही एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, टेक्निकल फील्ड की बात कर रहे हैं। ये डेटा आप किनारे कर सकते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट डेटा। इसके बाद दिस विल ऑल्सो हेल्प द यूथ टू फाइंड न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सीधी बात है, रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है उसको देखेंगे। बिल्कुल कोर पार्ट है आपका GS पेपर 2 का पार्ट है ना, पॉलिटी का, कि यहां पर बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। अब जो है जैसे हम कहां देखते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का प्रावधान देखते हैं, है ना, आप आर्टिकल 74 पढ़ते हैं, आर्टिकल 75 पढ़ते हैं, यहां पर जो है आप क्या पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ेंगे। उसी तरीके से सेम जो है आपका पूरा फंडा कहां स्टेट में, इसमें 11 माइनस कर दीजिए, अगर यहां पर 75 में है तो वहां 164 163 देखिए आप, ठीक है ना, इस तरीके से इन आर्टिकल्स को देखिए। अब आपको संसद भी आज पढ़ने को मिल गया और आपको स्टेट भी मिल गया, आप पैरेलल पढ़िए कि संसद किस तरीके से काम करती है और वहां पर जो आपकी विधायिका है, राज्य की विधायिका जो है, विधानमंडल, वो किस तरीके से काम करता है। इतना आपने समझ लिया ना, आपका 50% लोड कम हो जाएगा। किसका, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पॉलिटी की। लेकिन समझ बनाना है, रटना नहीं है, रटना नहीं है, बार बार मैं फोकस करता हूं, रटना नहीं है, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी जब आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर बताया गया कि भैया अभी जो है वो गवर्नर जो आपके फागू चौहान हैं, तो उन्होंने एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी टू
नीतीश कुमार टू द न्यू जो आपके चीफ मिनिस्टर बने हैं. नीतीश कुमार हैज बिकम द सीएम ऑफ बिहार फॉर द 7 times, 7वीं बार बने हैं. बिहार के लिए लोकल जो आपकी पीसीएस का एग्जाम मतलब स्टेट लेवल के स्टेट स्पेसिफिक न्यूज ये इंपॉर्टेंट है ना, कितनी बार बने हैं ये प्रीलिम्स एलिम्स से पूछ सकते हैं, बाहर के स्टेट के लिए नहीं है. अब की पॉइंट्स बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो आपके 7 BJP ministers, 5 ministers फ्रॉम JDU, उसके बाद 1 each फ्रॉम द हम पार्टी है एंड VIP पार्टी वर स्वॉन इन. ठीक है ना, तो इन लोगों ने वहां पर शपथ ली है. और यहां पर जो उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं जो तारा किशोर प्रसाद एंड रेणु देवी. देखिए जब बहुत सारा गठबंधन हो जाता है तो भैया सब जो पद लोलुपता होती है ना उसके चक्कर में इस तरीके के पद बनाए जाते हैं, वरना संविधान में नहीं है कि उप मुख्यमंत्री क्या जरूरत है एक को मुख्यमंत्री एक को उप मुख्यमंत्री बना के रखना, क्योंकि भैया उनने जिताया है ना. हाँ इसी बिहार पे तो जुड़ते हैं कि हमको ये वाला पद चाहिए तभी जुड़ेंगे. तो ये स्थिति है ना हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो आपकी पार्टीज हैं. उसके बाद यहाँ पर बीजेपी हैड वोन 74 सीट्स इन द इलेक्शन एंड JDU हैड गॉट 43 सीट्स. और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 बताएंगे और क्या बताएंगे, 75 मैंने बताया था, 11 माइनस कर दीजिए 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी अ काउंसिल मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर टू प्रोवाइड असिस्टेंस एंड एडवाइस टू द गवर्नर. ठीक बात है. और यहाँ पर मुख्यमंत्रियों की शक्तियाँ और कार्य बता रही है, तो सीधी बात है स्टेट गवर्नमेंट का हेड होगा कौन, चीफ मिनिस्टर. उसके बाद मंत्री जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनती है ना कैबिनेट वगैरह जो आप लोग देखते हो जैसे सेंटर में बिल्कुल सेम फंक्शनिंग है, तो वहाँ पर जो चीफ होता है वो कौन होगा आपका, चीफ मिनिस्टर ही होगा. ठीक है ना. और राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री से जो है जो मतलब बातचीत करके संवाद करके परामर्श करके उससे ही एडवाइस लेके फिर मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है. और जो मंत्री है होता है आपका वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की बात कर रहे हैं उसके आधार पर जो है अपने पद पर बने रहते हैं. ठीक है ना. ठीक वही बात आ जाएगी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर उनका जो है आपका विश्वास जो है वो खत्म हो गया किसमें मतलब बहुमत खत्म हो गया किसमें राज्य के विधानमंडल में, तो वो जो है आपकी विधानसभा में तो वो आपकी सरकार गिर जाएगी. इसलिए बोलते हैं कि प्रसाद पर्यंत है ना, इसलिए बोला जाता है. ठीक है ना. तो 164 सब क्लॉज ए है आपका. उसके बाद चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स द पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर. ये तो काम वही करेगा ना भैया कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज किसको कौन से मिनिस्ट्री मिलेगी किसको कौन सा पोर्टफोलियो. ही कैन ऑल्सो चेंज हिज पोर्टफोलियोज एज पर हिज विश. तो अपने लिए वो कुछ भी जो है विभागों का परिवर्तन वगैरह कर सकता है, नॉर्मल से चीजें हैं. इसके बाद चीफ मिनिस्टर जो है प्रिसाइड करता है ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सीधी बात है मैंने बता दिया आपको. द चीफ मिनिस्टर कॉल्स द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. बुला सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो आपकी मीटिंग होती है. उसके अलावा डिसाइड भी कर सकता है व्हेन एंड वेयर द मीटिंग जो हो रही है इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कहां होगी है ना और कब होगी. ये सब डिसीजन जो है वो उसका ही है, उस विषय पर जो है वही जो है निर्णय लेता है ना और इस पर विचार करता है. नॉर्मल सी चीज है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट आपका. इसके बाद जो चीफ मिनिस्टर है इज द क्रिएटर ऑफ द स्टेट्स डेवलपमेंट पॉलिसीज. करेगा ही, सभी मिलकर करते हैं. एंड ही ऑल्सो चेयर्स द कमिटीज ऑन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट. ही इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड. होगा ना भैया सारे जो राज्यों का जो आपका प्लानिंग से संदर्भित बॉडी होगी उसमें वो नहीं होंगे तो कौन होंगे. उसके बाद द चीफ मिनिस्टर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 161. वहां 78 में किसकी जिम्मेदारी थी, प्रधानमंत्री की, कि जो भी नीतियां हो भैया राष्ट्रपति अगर मांगे सूचना वगैरह तो उसको प्रोवाइड कराना चाहिए. उसी तरीके से यहां पर होगा कि मुख्यमंत्री जो है आपके वो राज्यपाल को क्या करे उस तरीके की जो भी जानकारी है वो उपलब्ध कराएं. वहां 78 यहां 167. एक बार इसको आपने पैरेलल पढ़ लिया जिंदगी में नहीं भूलेगा. ठीक है ना. इट इज द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर to inform the governor about the administration and legislation of the state. यहाँ पर tenure की बात किया जा रहा है, तो tenure कोई नहीं होता जब तक सरकार बहुमत में है. collective responsibility जो सामूहिक उत्तरदायित्व जो आपका parliamentary form of government का core क्या है, कोर बेस है आपका. ठीक है. तो वही यहाँ पर भी है कि भैया जब तक आपकी सरकार का जो है वो आपका क्या मतलब वो बहुमत में रहेगी तब तक सरकार रहेगी वरना गिर जाएगी. उसी जो विधानसभा का कार्यकाल है उसी तक जितना उसका कार्यकाल है उतने ही उसके चीफ मिनिस्टर का भी कार्यकाल होगा. तो यहां पर लिख दिए कि भैया ये आपका गवर्नर के किसमें है. द चीफ मिनिस्टर एज्यूम ऑफिस आफ्टर द गवर्नर्स ऑफरिंग. द चीफ मिनिस्टर होल्ड ऑफिस अंटिल द रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द स्टेट असेंबली. द चीफ मिनिस्टर मे बी शैक्ड बाय द गवर्नर इन द इवेंट ही लॉसेस मेजोरिटी. जब मेजोरिटी उसकी जो है वो लॉस कर देगा तभी उसकी सरकार गिरेगी. ठीक है ना. और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन ऑल्सो रिमूव द चीफ मिनिस्ट्री फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द पोस्ट बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन. तो पूरी चीज तो वही है जो मैंने आपको बता दिया. नो कॉन्फिडेंस जो आपका मोशन है वही इसका क्या है, कोर है. और बाकी सब चीज़ें यहाँ पर कहानी है. इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट हमारा मतलब आर्टिकल है वो देखेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका. ठीक है ना. ये भी सेकंड पेपर से है. सोशल सिक्योरिटी में रख सकते हैं आप इसको. ठीक है. जो आपका FRA है फॉरेस्ट राइट्स जो आपका एक्ट है ड्वेलर्स वर्ड का यूज किया जाता है जिसमें कई पीढ़ियों से लोग वहां पर रह रहे
रह रहे होते हैं जंगल वगैरह में, फॉरेस्ट वगैरह में, तो जो वो एरिया होता है उस पर बोलते हैं कि उनका जो है परंपरागत ट्रेडिशनल राइट्स है, तो उनके राइट्स को जो है वहां पर क्या करना, संरक्षित करना। यहीं पे मैं हमेशा बोलता हूं सैलेड बाउल प्रिंसिपल, ठीक है ना। किसी ने पूछा था होता क्या है सैलेड बाउल, जब मैंने बोला तो आप सैलेड याद करिए, आपकी सैलेड में क्या होता है डिफरेंट टाइप के जो है आइटम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए बीट है, उसमें जो है आपका खीरा है, उसमें जो है आपकी मूली है, उसमें जो है आपका अनियन है ना, और भी जो है आप चीजें उसमें डाल सकते हैं। तो सब क्या है डिफरेंट डिफरेंट, आप उसको मिलाते रहिए, कितना भी मिला दीजिए लेकिन सब अलग अलग रहेंगे, मतलब सब जो है वो अपना विकास करें, है ना, लेकिन अपनी जो है पर्सनल आइडेंटिटी को बनाए रखते हुए। तो कहने का मतलब ये, नेहरू जी के टाइम पे जो पंचशील आपका थ्योरी आती है ना, एरियर एल्विन वगैरह आप लोग देखते होंगे, नाम सुनते होंगे, सोशियोलॉजी का कोर पार्ट है वो, तो उसमें बताया जाता है, तो वो क्या बोलते थे कि भैया इनका विकास करना है ना, लेकिन इनको इस तरीके से विकास करना है कि इनके जो ट्रेडिशनल जो भी आपके राइट्स हैं उसको भी एंश्योर करते हुए करना है। तो पूरी तरीके से मॉडर्न बना दो भैया उनको, है ना, ज्यादा हस्तक्षेप मत करो उनकी जिंदगी में, उतना करो कि वो विकास कर पाए और आराम से अपना जीवन यापन कर पाए, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि अराउंड 1200 ट्राइबल्स इन हुंसूर तालुक ऑफ माइसूरू, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, लुक टू द अनसर्टेन फ्यूचर एज देयर पेटिशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ देयर क्लेम्स ऑन फॉरेस्ट लैंड अंडर जो आपका क्या शेड्यूल ट्राइब्स एंड रेसिडेंट्स ऑफ अदर फॉरेस्ट रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 इज रिजेक्टेड बाय द लोकल, इट वॉज डन, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये घटना आई है एक, है ना। तो हमारे लिए अब घटना मिली तो हम कोर, हमको चाहिए कि हम यहाँ से कोर जो है अपना एक बार रिवाइज कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका, है ना, हमेशा के लिए। तो रीजन क्या है ये जो कैंसिल किया गया है ये जो पिटिशन ट्राइबल्स की, तो अप्रॉक्सीमेटली वही बता रहे हैं कि जो 1200 लोग हैं वहाँ के हुंसूर के, उन्होंने एप्लीकेशन दिया और रिजेक्ट, मतलब एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड एप्लीकेंट्स रिसीव द समन स्टेटिंग दैट दे हैड फेल्ड टू प्रोड्यूस एविडेंस टू सब्सटेंशिएट देयर क्लेम्स ऑफ देयर स्टे इनसाइड द फॉरेस्ट। तो भैया वो अपनी जो है उस पर अपना जो स्वामित्व है वो नहीं दर्शा पा रहे हैं ना, है ना, क्योंकि ज्यादा अवेयरनेस होती नहीं उन लोगों को, लीगैलिटी के बारे में बहुत जानकारी नहीं होती, तो उन सब के कारण भी उनका शोषण वगैरह होता है। तो इन अ कंट्री वेयर द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट इज अ रीसेंट इंसिडेंट विच द ट्राइबल्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रिकॉर्ड्स टू क्लेम दैट दे लिव्ड इनसाइड द फॉरेस्ट बिफोर देयर एक्सपल्शन इन 1972, तो 1972 से पहले जो आप रह रहे हैं वो अपने जो है अधिकारों का संरक्षण वहां पर करवा सकते हैं, उनके लिए यहां पर जो है विधिक प्रावधान करके उनको संरक्षित किया गया है। वॉज रिडिकुलस एंड नेचुरल वॉज इन वायलेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, सीधी बात है, ठीक है ना, कि भैया ये जो है प्रावधान जो है, अब कोई जो है 10-10 पुस्तों से रह रहे हैं, उनके अधिकारों को आप थोड़ी वहां पर जो है वो, मतलब उनके अधिकारों का हनन कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में बात किया जा रहा है। जो रिलेटेड एपिसोड्स बताए जा रहे हैं यहां पर, बताया जा रहा है 2019 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था द इविक्शन ऑफ अराउंड 1 मिलियन पीपल अक्रॉस इंडिया हुज क्लेम्स वर रिजेक्टेड बट द कोर्ट स्टेड इट्स अर्लियर ऑर्डर, ठीक है ना। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मतलब डायरेक्ट निर्देश भी दिया है, डायरेक्टेड ऑल स्टेट्स गवर्नमेंट टू फिल अ रिव्यू पिटीशन एंड सबमिट अ रिपोर्ट, तो रिव्यू पिटीशन भैया दायर करने के लिए बोले और बोले कि एक डिटेल्ड रिपोर्ट बताओ आप, ठीक है ना। तो अब यहां पर जो है इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है कि ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है क्या। दिसंबर 2006 में पार्लियामेंट ने इसको पास किया था, इसका नाम हमने देख लिया है एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ड्वेलर्स मतलब जो पुश्तों से वहां पर रह रहे हैं, है ना। उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स टू फ्री देम फ्रॉम द हिस्टोरिकल इनजस्टिस डन टू द ट्राइबल्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड टू रिकॉग्नाइज देयर राइट्स ओवर द फॉरेस्ट आफ्टर द पीरियड द सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनली नोटिफाइड इट ऑन 1st of January 2008 एंड इम्प्लीमेंटेड इट इन द एंटायर कंट्री एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। देखिए वो तब स्टेट के रूप में शामिल नहीं था, ठीक है ना, तो ये जो है आपका तब वहां पर जो है लागू किया गया था, लेकिन अब जब JNK भारत में जो है आपके राज्य के रूप में अगर उसमें शामिल हो गया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या अब फॉरेस्ट राइट्स जो आपका ड्वेलर्स एक्ट है उसमें JNK को कवर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, है ना। बहुत डिटेल में हम लोगों ने पूरा JNK के प्रावधान को देखा है, तो आप जरा सा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना, इससे ये भी पता चलेगा कि आप लोग भी मतलब कितना रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद राइट्स बताए जा रहे हैं यहां पर कि जो इस एक्ट के थ्रू जो है किस तरीके के राइट्स इनको दिए गए हैं, तो ओनरशिप राइट्स सबसे पहली बात कि भैया उनके स्वामित्व के अधिकार को संरक्षित करना है। विल बी ग्रांटेड टू द लैंड व्हिच इज नॉट एग्रीकल्चरली मोर देन 4 hectares टिल 13th दिसंबर 2005 बाय द ट्राइबल्स और ट्राइबल्स दैट इज नो अदर न्यू लैंड विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद देयर विल बी राइट, देयर विल बी राइट्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वहां पर जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का भी एक एस्पेक्ट है। उसके बाद इन केस ऑफ इलीगल इवैक्यूएशन, मतलब अगर अवैध रूप से उनको जो है वहां से मतलब निकासी की जाती है उनकी, उनको निकाला जाता है, बलपूर्वक उनका डिस्प्लेसमेंट किया जाता है, फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट जिसको बोल रहे हैं ये, है ना, फॉरेस्ट ड्वेलर्स या ट्राइबल्स का, ठीक है, तो द राइट टू रिहैबिलिटेशन कि उनको जो है पुनर्वास दिया जाए एंड राइट टू बेसिक फैसिलिटीज विल बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रक्शन फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, नॉर्मल सी चीज है। इसके
बाद जो भी आपके फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ट्राइबल्स हैं, ठीक है ना, उनके जो राइट्स हैं रिगार्डिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यहीं पे जो है सारी चीजें, ये आपके मिनरल्स के अंतर्गत माइनर जो आपके फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, लाइक मतलब जो भी आपका, क्योंकि उनकी जो आजीविका है वो उसी पर निर्भर होती है, तो उनके अधिकारों का जो है संरक्षण करना किया जाना आवश्यक है, इंक्लूडिंग ओनरशिप, पास जो आपका पास्चर एरिया है, चारागाह जो आपका क्षेत्र होता है, पैस्टोरल रूट है, विल बी अवेलेबल। इसके बाद आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, ये आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू एरियल स्पेस मिशन है, ये आपका ESA की बात कर रहे हैं, जैसे जैक्सा है आपका, ठीक है ना, नासा है आपका, तो इस तरीके से यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है आपकी, उसका जो आपका क्या है एरियल स्पेस मिशन, उसके बारे में बताया जा रहा, साइंस एंड टेक का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, पेपर थर्ड में रख सकते हैं आप इसको, डायरेक्टली वहीं से लिंक होगा आपका। तो ESA हैज फॉर्मली अडॉप्टेड एरियल विच विल स्टडी द नेचर फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द एक्सप्लोरर जो आपके एक्सोप्लैनेट है, एक्सोप्लैनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल ठीक बात है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप याद रख लीजिएगा, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है किससे संदर्भित है ना प्रीलिम्स में। तो यहां पर एरियल स्पेस मिशन क्या होता है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये जो है आपका एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सोप्लैनेट लार्ज सर्वे। अब रिमोट सेंसिंग से आपको सारी चीजें जो है रिकॉल हो जानी चाहिए। विच साइंटिस्ट प्लान टू लॉन्च इन 2029 विल कंडक्ट अ लार्ज स्केल सर्वे ऑफ मोर देन 1000 एक्सोप्लैनेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है ना। तो जो भी आपकी लेटेस्ट इस तरीके के कोई मिशन होते हैं ना, वहां पर फोकस होता है यूपीएससी का। दीज थाउजेंड्स विल रेंज फ्रॉम एक्सोप्लैनेट्स गैस जाइंस टू रॉकी प्लैनेट्स, मतलब जो गैसियस आपके जाइंस जो भी आपके प्लैनेट हैं, चाहे रॉकी प्लैनेट्स हो, उस तरीके के जो भी एक्सोप्लैनेट्स हैं वो उनको स्टडी करेगा। विच विल हेल्प देम कंपाइल अ लिस्ट ऑफ देयर क्रिएशन एंड प्रॉपर्टीज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ प्लैनेटरी सिस्टम्स आर बिल्ट एंड डेवलप्ड, ठीक है ना। ये अब ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, अब पेपर वन में भी पूछ सकता है, यूपीएससी मेंस में जैसे जूनो को पूछा था। इसके बाद इन एडिशन एरियल विल हेल्प आंसर वन ऑफ द की क्वेश्चन, कौन सा, ESA's कॉस्मिक विजन। हर जगह ब्लैक मैटर है जो आपका, या जो भी आपकी ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं, कॉस्मिक जो आपकी स्टडीज होती है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी जो आपका एक जो आपका मेन क्वेश्चन है ना, उसको ये आंसर कर सकता है, जो आपका ESA का कॉस्मिक विजन प्लान है, विच विल स्टेट व्हाट आर द कंडीशंस फॉर प्लैनेट फॉर्मेशन एंड द एमर्जेंस ऑफ लाइफ। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद अगर आगे की ओर देखेंगे कि एक्सोप्लैनेट्स होते क्या हैं, तो सीधी बात है, जो सौर मंडल में जो है सबसे बाहर की ओर स्थित होते हैं उसी को एक्सोप्लैनेट बोला जाता है। प्लैनेट्स दैट आर लोकेटेड आउटसाइड द सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम के भी बाहर है ना, समझ, इसी तरह तो एक्सोप्लैनेट बोला जा रहा है उसको, है ना। एटिमोलॉजी से अधिकतर चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एंड ऑर्बिटिंग स्टार्स अदर देन द सन आर कॉल्ड एक्सोप्लैनेट और एक्स्ट्रा स्लेटर प्लैनेट्स। तो भैया जब वो सौर मंडल के ही बाहर है तो क्यों जो है सूर्य की वो परिक्रमा करेंगे, है ना, तो सूर्य के अलावा ये अन्य सितारों की परिक्रमा करते होंगे, है ना, ऐसा बोला जाता है, इसलिए इनको एक्सोप्लैनेट बोला जाता है। और एक्सोप्लैनेट का मतलब को डिटेक्ट करना इजी टास्क नहीं है, बिकॉज दे आर मच लेस ब्राइट देन द स्टार्स दे ऑर्बिट, एंड सो दे आर डिफिकल्ट टू सी डायरेक्टली यूजिंग टेलीस्कोप। तो डायरेक्टली जो है टेलीस्कोप के द्वारा देखना उनको जो है कठिन होता है, कठिनतम होता है। अदर मेथड्स ऑफ ट्रैकिंग एक्सोप्लैनेट इंक्लूड ग्रेविटेशनल लेंसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल वेव्स वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था, जब मतलब आइंस्टीन जो है रिंग वगैरह भी पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है ना, किसी मतलब सीरीज में, अब मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं मैं, है ना, आप लोग बोलेंगे तो मैं डिक्टेट कर दूंगा किसी दिन। तो यहां पर वही बताया जा रहा है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग एंड द वॉबलिंग मैथड। वॉबलिंग मैथड विच इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एन ऑर्बिटिंग प्लैनेट विल कॉज इट्स ओरिजिनल स्टार टू ऑर्बिट स्लाइटली, ठीक है ना, इसको देख जाइएगा, वॉबलिंग जो आपकी विधि है, कॉन्टेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद यहां पर वैज्ञानिक मतलब क्या कारण है कि वो एक्सोप्लैनेट का अध्ययन कर रहे हैं, उसके क्या कारण है, तो डिस्कवरी ऑफ एक्सोप्लैनेट्स इज मोटिवेटेड बाय द पॉसिबिलिटी दैट लाइफ मे एग्जिस्ट बियॉन्ड अर्थ। सीधी बात है, पृथ्वी के बाहर कहां जीवन है, यही खोज है, चाहे पृथ्वी के बाहर मंगल ग्रह की बात करें, है ना, चाहे आपका जूनो जुपिटर की बात करें, हम कहीं पे भी अगर जा रहे हैं तो वहां पर ये जानने की जरूरत, मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या वहां पर जीवन संभव है, है ना, ये जानने की जरूरत है यहां पर, यही इंपॉर्टेंट है यहां पर। एंड इवन थ्रू देयर इज नो एविडेंस फॉर दिस साइंटिस्ट बिलीव दैट देयर रिसर्च विल रिवील वेयर ह्यूमंस केम फ्रॉम एंड वेयर वी आर गोइंग, है ना, ऐसा लिखा हुआ है यहां पर। इसके बाद यहां पर बता रहे हैं कि दिस विल गिव अस एन आइडिया ऑफ हाउ द यूनिवर्स वर्क्स एंड हाउ द अर्थ द सन एंड और मतलब जो भी हमारा ओन प्लैनेटरी सिस्टम है, आवर ओन प्लैनेटरी सिस्टम फिट इन परफेक्टली सो दैट वी कैन नो अबाउट दैम इन डिटेल। बताइए, ये पूरे के पूरे पैराग्राफ में आपके पास सिर्फ 200-250 शब्द और 100 शब्द हैं, आप इसको कैसे लिखेंगे, इतना लिखने का स्कोप ही नहीं। हम सीधे लिखेंगे भैया कि ब्रह्मांड का जो है उत्पत्ति कैसे हुई है, जो ज्योग्राफी में देखते हैं हम लोग, बिग बैंग वगैरह आप लोग देखते होंगे, तो कॉस्मिक रेज जो है आपकी, ग्रेविटेशनल वेव्स जो है उसकी क्या भूमिका है, तो इन सब के अध्ययन के लिए ये सब कार्य जो है जो अनुसंधान के हैं वो किए जाते हैं, ठीक है ना, किस तरीके से मानव जीवन
जीवन की उत्पत्ति हुई, अगर वहां है मानव तो किस तरीके से वहां उत्पत्ति हुई होगी, ये सब जानने की वहां से जरूरत के लिए जो है, ये सब जानने के जो है इच्छुक है मानव, इसलिए इस तरीके के रिसर्च और डेवलपमेंट की जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट हमारा न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, पेपर थर्ड से, जीएस पेपर थर्ड से, और 5 पॉइंट प्लान टू टैकल माओइज्म, जो नक्सलिज्म वगैरह आप 60s के टाइम से देखते हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना, नक्सल जो मतलब नक्सलवाड़ी जो है आपका एक जगह है ना, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, उसी के नाम पे ये पड़ा हुआ है ना, तो इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट होता है ये, है ना, तो आंतरिक शांति वगैरह, आंतरिक सुरक्षा से संदर्भित प्रावधान है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके जो पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करके किनारे रखिएगा, है ना, ये सब पार्ट हम छोड़ के चले जाते हैं एग्जाम में, और मैं बोलता हूँ इस पर फोकस करना चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, है ना, जो आपका साइंस टेक वाला पार्ट है, जो छोटी छोटी सोशल सिक्योरिटी है, ये ज़्यादा पोटेंशियल, लेकिन हम वही पढ़ते रहते हैं, नेशनल मूवमेंट क्या है ना, संसद क्या है, ये क्या है ना, वहां पर जो है वो बिल्कुल टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेता है करंट से रिलेट करके, फिर हमारा जो वहां पर क्या होता है प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, वहां पर कम हो जाती, मार्क्स नहीं आते हमारे, ठीक है ना। तो यहां पर छत्तीसगढ़ के जो आपके क्या है चीफ मिनिस्टर है, सॉरी मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उन्होंने एक लेटर रिटन में दिया है टू यूनियन होम मिनिस्टर जी को, अमित शाह जी को, और रिक्वेस्ट किया है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। सीधी बात है, जहां पर भी आप इस तरीके की घटनाएं देखते हैं, अगर वहां पर लोगों को आप क्या कर दें, आर्थिक रूप से सशक्त कर दें, उनको जॉब वगैरह दे दें, आप एक बात बताइए, जो दिन भर जॉब करता है उसके पास टाइम है क्या इस तरीके की फालतू चीजें करने के लिए? हाँ, बहुत पूरे मैप में आप देखिए, धीरे धीरे जो है हमारे यहां नक्सलिज्म की अगर आप बात करेंगे, अगर हमारे पूरे मैप की भी हम बात करें ना, तो अब देखेंगे आपकी पूरा जो है सिस्टम जो है इंडिया में वो ठीक हो गया है, ठीक है ना, मतलब आप भारत में देखेंगे पूरे मैप से जो है वो गायब हो चुका है, अब समस्याएं बहुत कम है, क्यों? क्योंकि भारत ने बहुत सारे मिशन भी किए लेकिन वहां पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगाए गए, है ना, बाकी है उसको पॉलिटिसाइजेशन कर दिया जाए, है ना, मार्क्स बाबा का नाम लेके, तो वो बात अलग है ना, मार्क्स को भी हमारे यहां, अपने यहां जो है पॉलिटिकल लेवल पे उनकी डेफिनेशन ही चेंज कर दी है, ठीक है ना, यहां पर सब अपनी जो है पॉलिटिकल जो स्वार्थ है ना, जो राजनीतिक स्वार्थ, उसको पूरा करने के लिए वो सारे लोगों को यूज करते हैं। आप इन चीजों को डायरेक्टली रोज न्यूज पढ़िए तो आप उन चीजों को देखिए। अभी चुनाव हुआ तो उसको आप, बिहार में क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण है, हमारे यहां इस तरीके की चीजें क्यों इंप्लीमेंट की जा रही, इनको सोचने की जरूरत है, इंटरव्यू में बहुत काम आएगा। और ये सब एकदम से नहीं होती तैयारी, मेंस हो जाएगा 15 दिन में, पर्सनल डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होता, कुछ नहीं होता, आपको बता देंगे वहाँ कि आप अपनी हॉबी, अरे हॉबी भी दूसरे से लेके दे दो, मतलब चले जाओगे आप, ये रख लो वो रख लो, हाँ, तो कैसे नंबर मिलेगा आपको, आप खुद सोचिए ना। तो अभी से ये सब चीज़ें जो है एक साथ डेवलप करना होता है, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, ऐसे ही होता है, ठीक है ना, कोई जो है एकदम से कोई भी फर्क नहीं आता, फिर 25 साल 20 साल की आपकी पर्सनालिटी 2 महीने में कोई चेंज कर देगा, आप खुद सोचिएगा रैशनल है क्या कहीं से कहीं तक। तो ये बताया है बस्तर क्षेत्र आप जानते हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा जो नक्सल वगैरह लेफ्ट, मतलब लेफ्ट कि जो भी आपकी सिस्टम की जो भी जो आपका एक्सट्रीमिज्म है ना, जो लेफ्टिस्ट लोग करते हैं, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जो जिले हैं, तो वहां पर रोजगार सृजन के लिए वहां पर उन्होंने मांग की है, ठीक है ना, और उसके कुप्रभाव को कम करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस की वहां पर मांग की है। अब की पॉइंट्स यहां पर बताए जा रहे हैं, 5 पॉइंट प्लान जो है वॉज मेंशन टू मेक बस्तर रीजन फ्री फ्रॉम माओइज्म, ठीक है ना, माओ माओ जो ये बोलता था चाइना कि भैया जो शक्ति है ना बंदूक की गोली से निकलती है, ठीक है ना, तो ही ऑल्सो डिमांडेड द सपोर्ट ऑफ द सेंटर इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क्स इन माओइस्ट अफेक्टेड एरियाज स्पेशली बस्तर। अब आप खुद सोचिए कि माओ चाइना में था, आज वहां वो इस तरीके की दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने ये सिस्टम ले लिया उससे, वो 70s तक आप देखेंगे भारत चाइना पाकिस्तान लगभग एक जैसी कंट्री थी, आज कहाँ है चाइना, आज कहाँ है हम, इन सब चीजों को समझिए, वहां पर नहीं किया गया उसका राजनीतिकरण, ठीक है, और हमारे यहां देखिए जरा, हाँ, तो 5 पॉइंट जो आपका प्लान है इसमें बताया गया है, पॉइंटिंग आउट द नीड फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड कनेक्टिविटी इन रिमोट फॉरेस्ट एरिया। सीधी बात है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो तभी होगा जब वहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह सेट होंगी, और कनेक्टिविटी तो सबसे जरूरी है ना, कनेक्टिविटी ही नहीं होगी तो फिर किस तरीके से वहाँ पर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सकेगा, है ना, तो ये तो 2 चीज़ें बताई जा रही हैं जो आपके रिमोट फॉरेस्ट एरिया है। और बघेल जी ने बोला भी है कि यूथ ऑफ बस्तर शुड बी गिवन वेरियस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सो दैट दे डू नॉट जॉइन द माइस। सीधी बात है, उनको जो रोजगार अवसर दे देंगे तो वो इस तरीके के दंपत में पड़ेंगे नहीं, क्योंकि रिस्क तो उनको भी रहता है जान का, ठीक है ना। बघेल रिक्वेस्टेड द सेंटर टू मेक जेनरस ग्रांट्स टू इंस्टॉल कोल्ड चेन्स एंड अदर फैसिलिटीज। ठीक बात है ना, कोल्ड चेन वगैरह हो गई, देखिए ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि मेरा मानना ये है, ये मेरी व्यक्तिगत सोच, कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो ना वो आतंकवादी होता है, ना वो माओवादी होता है, ना वो क्रिमिनल होता है, वो एक व्यक्ति होता है। किस तरीके से उसका पालन पोषण हुआ है, कि क्या सामाजिक परिस्थितियां रही हैं, किस तरीके से उसका जो है पूरा
डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि देखिए जब आप या मैं कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो जो सबसे पहला सोशल इंस्टीट्यूशन है जहाँ से सारी चीज़ें बिल्ट होती हैं, जिसको आप संस्कार बोलते हैं, है ना, मतलब संस्कार बोलते हैं तो क्या आपकी पर्सनैलिटी बनती है वहाँ से, वैल्यूज़ वगैरह मोरल्स वगैरह वहाँ से आते हैं, तो कौन, आपकी माता और पिता, तो पहली जो संस्था है वो परिवार है, उसके बाद आप जाते हैं अपने फ्रेंड्स के पास, ठीक है ना, देन स्कूल जाते हैं, देन सोसाइटी जाते हैं, देन लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, ये सब आपका क्या है, एक तरीके से एक ऐसी संस्था है जहाँ से आप सीखते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करते हैं। तो भैया जो व्यक्ति है वो किस तरीके से, कोई व्यक्ति नहीं चाहता आतंकवादी बनना, मेंटली डिस्टर्ब ना हो वो, ठीक है ना, किसी ने जो है उसको मानसिक रूप से बीमार ना कर दिया हो फालतू की चीज़ें बता के, ठीक है ना, जो आप लोग देखते होंगे मूवी में कि अप्सरा अप्सरा आएगी लेके जाएगी, है ना, वो सब जो कहानियाँ हैं, ठीक है ना, तो वो अवेयर नहीं होते बेचारे, तार्किक नहीं होते हैं, तो उसका फायदा उठाते हैं, वो अभाव में होते हैं, तो उसको मोबिलाइज करते हैं बड़े लोग, ठीक है ना, और अपने फायदे के लिए। और यहाँ पर वही बताया गया है कि दे हैव आस्क्ड द सेंटर टू हेल्प इन इंस्टॉलिंग, जो भी इंस्टॉल करना है आपका सोलर, जो आपके जो भी सोलर के जो पावर जनरेटर्स हैं ना, जो प्लांट्स वगैरह हैं, वेयर द पावर ग्रिड हैज़ नॉट एट रेज, तो जहाँ पे भी पावर ग्रिड नहीं पहुँचा, तो बोल रहे हैं कि भैया सोलर पावर जो आपका जनरेटर्स होते हैं वो इंस्टॉल कर दो, अब वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था तो करो आप, तभी यहाँ पर जो है किसी तरीके से इनको जो है आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकेगा। बिल्कुल ठीक है, इन पॉइंट्स को आप देख जाइएगा, बढ़िया पॉइंट है यहाँ पर। व्हाइल रिक्वेस्टिंग अ ग्रांट फॉर द बोध घाट जो है आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट, ही ऑल्सो से दैट इज 50 crore बी गिवन टू ईच ऑफ द कलेक्टर्स ऑफ द 7 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। ये एस्पिरेशनल वो है जो आपके पिछड़े होते थे ना जिले, उसका नाम चेंज कर दिया हमारे, अब वो आकांक्षी हैं, आकांक्षा रखते हैं बढ़ने की, लेकिन बेचारे बढ़ नहीं पा रहे, अब सरकार उधर जो है प्रयास कर रही है ना, क्योंकि सरकार का प्रयास तो आप जानते हैं दिखाई देता है आपको, पॉलिसीज बहुत अच्छी अच्छी हैं, हमारे इंप्लीमेंटेशन में कमी है, और अभी भी जो है इसलिए इस तरीके की समस्याएं देखी जाती है, बहुत ही मैक्रो लेवल पे समस्याएं विद्यमान है, आप प्रैक्टिकली फील करते होंगे, है ना, चाहे कहीं भी देख लीजिए, क्राइम में देख लीजिए, अभी के केस देख लीजिए, अब मैं नाम नहीं लूंगा जो भी है, ठीक है ना, उन सब चीज़ों को आप देखिएगा, फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, नॉर्मल सी चीज़ है, फैक्चुअल जानकारी है। रोड एंड रेल ट्रैक्स इन इनएक्सेसिबल एरिया शुड बी अपग्रेडेड एंड सेफ बेस एंड हेलीपैड्स प्रोवाइडेड एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन रिमोट एंड इंटीरियर एरियाज। तो पूरे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, क्रिटिसिज्म यहाँ पर किया जा रहा है कि इसको बोला जा रहा है कि भैया ये जो है आपका पॉलिटिकल चाल है आपकी, फिर मैंने बोला आपको कि कुछ ना कुछ राजनीतिक स्वार्थ आता है, तभी EWS जो है वो पेपर के जो आप मतलब पेपर बोल रहा हूँ मैं, ये जो आपका बजट सेशन आया एकदम से 5 साल से सरकार को नहीं लग रहा था कि आर्थिक रूप से बेचारे ये जनरल वाले जो है वो पीछे हो गए, उनको दे दिए, है ना, ये मत समझिएगा, मैं जाति आती व्यवस्था से बहुत ऊपर हूँ, ठीक है, खुद ब्राह्मण हूँ मैं, वो बात अलग है, कोई विश्वास नहीं है मेरा, इससे कोई डिफर भी कर सकते हो आप, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने देखा है, पूरी हिस्ट्री पढ़ता भी हूँ मैं, पढ़ाया भी है मैंने, और रेगुलर 10 साल से इस फील्ड पे जुड़ा हुआ हूँ, तो आप हिस्ट्री से उठा के देख लीजिए, हमारे यहाँ जो जाति के पीछे हम मर रहे हैं, हमारे यहाँ सब तरीके के लोग आए, यूरोपियंस हों, टर्की हों आपके, है ना, तो सब लोग आए, मुगल हों हमारे यहाँ, सब आए, फारस हो, सब जगह के यहाँ लोग क्या है, तो मिक्सिंग है, क्या ब्रीड है, क्या नहीं है। दूसरी चीज, ब्राह्मण के नाम पर आप शोषण करते हो मंदिर में, इतना पैसा दे दो, तो फिर वही बात हो गई ना पुनर्जागरण वाली, हाँ, तो वो उसमें एक ही फिलॉसफी है मेरी कि भगत सिंह जी ने जो ऐसे लिखा है आपका, क्या लिखा है ऐसे उन्होंने कि why I am an atheist, हम पढ़ लेते हो एथीस्ट है नास्तिक थे, अरे भैया पूरा पढ़ो, उन्होंने लिखा मुझे ऐसे भगवान से, ऐसे पूजा पाठ से, ऐसी सामाजिक कुरीतियों से मतलब नहीं है जो इंसानों के बीच में वैमनस्य लाता है, वहां पर सोशल हार्मनी खत्म करता है, और वो चीज आज भी देखिए कि तभी हमारे यहां हमला हुआ जब ट्रंप आए, क्या वो पॉलिटिकल स्टंट नहीं था, दिल्ली जैसे कैपिटल में आदमी बाहर हथियार लेके घूम रहा है, इतनी अराजकता है हमारे यहाँ, कोई रामपाल जैसा बाबा आ जाएगा, लोग जो है पत्थर लेके सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर देते हैं, ये तो डेमोक्रेसी में बचा है हमारे, और सरकार कुछ नहीं कर सकती इसमें, इंडिविजुअल लेवल पे हर आदमी को मैच्योर होना पड़ेगा। US में पूरा चुनाव हुआ, आपने क्या देखा, पॉलिसीज के लेवल पे वहां पे हो रही थी ना चर्चा, ये तो नहीं हो रही थी तुमको कप प्लेट दे देंगे, तुमको फ्रिज दे देंगे, तुमको रिजर्वेशन, अरे हम खुद ही बटे हुए हैं, हमको 5% का किसी ने फायदा दिला दिया, हम उसी की तरफ हो जाएंगे, कोई हमारे अपने प्रिंसिपल तो है नहीं, बाकी आध्यात्मिक है हम लोग, इस चीज को समझिए हमारे सोसाइटी में क्या जो है कॉन्ट्राडिक्शन है, हम अपने आप में ही विरोधाभास है हमारे यहां, हम होना क्या चाहते हैं और हैं क्या अंदर से, क्योंकि ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, मटेरियलिज्म में फुल विश्वास रखते हैं, लेकिन नहीं, पूजा पाठ करने के बाद दिखाने के लिए पूजा पाठ, अरे यार इंसान के प्रति प्रेम रखो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, कंट्री आगे इसलिए भी नहीं जा पा रही है, आप देख लीजिए इसके कारण कितना ज्यादा लॉस होता है, इस तरीके की घटनाएं ना पूरे वैश्विक स्तर पर जो है हमारे देश की जो है वो थू थू कराती है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है कि
इसको बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल आपका स्टंट है एक तरीके का, और विपक्ष ने बोला कि ये योजना बनाने और उस पर काम करने के बजाय सरकार जो है वो केवल मौद्रिक मदद चाहती है। बोलती है कि भैया अभी डेफिसिट हो गया कोविड से, तो पैसा लेने का इसका जो है एक सिस्टम बना रही है वो, ठीक है ना। और उन्हें पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि माओवादियों द्वारा बड़े पैमाने पर हत्या को रोकने के लिए उनकी कार्य योजना क्या है। तो बोले भैया पहले आप स्पष्ट तो करो, मत करो काम, पहले स्पष्ट करो, क्योंकि विपक्ष कुछ ना कुछ तो करेगा ना। हमारे यहाँ विपक्ष इसलिए थोड़ी है कि देश को अच्छा चलाना, हमारे यहाँ विपक्ष ये काम करता है कि जो बिल आप लेके आओगे हम पास नहीं होने देंगे। आप जीएसटी को देख लीजिए, वो है कांग्रेस का, पास एनडीए ने किया, लेकिन जब वो पक्ष में थी तो वो उसको क्या बिल लाई, और जब एनडीए आ गई आपकी है ना सरकार, तो वही उसका अपोज कर रही थी। अब आप खुद सोचिए, इंसान लड़ रहा है, कांग्रेस हमारी, बीजेपी हमारी, अरे समझो भैया, राजा और प्रजा का खेल, एंशियंट टाइम हो, मेडिवल टाइम हो, वो राजा हैं, वो खेलते हैं पब्लिक के साथ और हम खिलवाते हैं, क्योंकि हम, हमारे पास जो है रैशनैलिटी नहीं, हम बिक जाते हैं, है ना। इसमें सबकी बात कर रहा हूं मैं, रैशनल डिस्कशन है, आप लोग इंटेलेक्चुअल हैं, ऐसे डिस्कशन की जरूरत होती है, ठीक है ना। और यहां पर कोई भी बायस्ड वाला मेरा नहीं है ना, तो मैं किसी जाति धर्म पार्टी, मेरे लिए यहां तक कि कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेसिडेंट कौन व्यक्ति है उससे मतलब नहीं है मेरे लिए, पीएम कौन व्यक्ति है मेरे को बिल्कुल मतलब, मुझे मतलब है उस पद से जो संविधान ने बनाया है, मेरे देश के लिए बनाया है, मैं उसकी गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा का सम्मान करता हूं, व्यक्ति विशेष को मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, दैट्स इट, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर जो है ये बोला जा रहा है कि नक्सलिज्म जो छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ इज कंसीडर्ड अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया, ठीक बात है। और इन द बिगिनिंग ऑफ द माओस्ट मूवमेंट, जो नक्सलिज्म है वो आपका देखा गया था 18 मतलब जो जिले है वहां पर 27 डिस्ट्रिक्ट में से, है ना। तो इन द अर्ली जो 1980s वाला टाइम है, बस्तर रीजन में लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर और कांकेर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, बिकेम द फोर्ट्रेस जो आपका लिखा जा रहा है ऑफ द माओइस्ट मूवमेंट इन इंडिया। तो ये जो है आपका एक तरीके का फोकल पॉइंट बना हुआ था, और फ्रॉम टाइम टू टाइम पुलिस फोर्स एंड आर्मी पर्सोनल आर मार्टर्ड, तो हमेशा जो है वहां पर शहीद होते रहते हैं, इस तरीके की घटनाएं आप लोग न्यूज में पढ़ते होंगे, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे, और जो नेक्स्ट हमारी न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड है ना, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है कि पर्यावरण संरक्षण, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जो 1972 वाला आप एक्ट वगैरह देखते हैं, है ना, तो उसके अंतर्गत जो है भारत में भारत सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, है ना। तो आप जो है वहां पर इसको एक एग्जांपल की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे आपका राइनो के लिए भी विजन है, टाइगर के लिए भी विजन है आपका, उसी तरीके से गिद्ध के लिए भी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वल्चर एक्शन प्लान की बात बता रहे हैं, इसके जब भी वल्चर देखिए तो डाइक्लोफिनेक जरूर देख लिए, डाइक्लोफिनेक देखिए, है ना। तो उसके साथ स्टॉकहोम जो सम्मेलन है, जो आपका परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स रिलेटेड 2001 वाला, वो देखिए। मैं आपको डोमेन देता हूं कि किस तरीके से पढ़ाई करना है, कैसे एक आर्टिकल से जो है वहां पर हम मल्टी डायमेंशनली जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा गेनिंग कर सके, है ना। मेरे बताने का जो है कंसर्न वो यहां पर ये रहता है। उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जो यूनियन मिनिस्टर है आपके एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, प्रकाश जावड़ेकर जो है, उन्होंने मंडे में को लॉन्च किया है वल्चर एक्शन प्लान 2025 के लिए, है ना, मतलब 2020 से लेकर 2025 के लिए, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके किनारे करिएगा इसको। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स इन द कंट्री, की पॉइंट्स बताई जा रही है कि गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है, ठीक है ना, ह्यूज डिक्लाइन देखा गया है, सम स्पीसीज अप टू 90% देख रहे हैं एक्सटिंक्शन की कंडीशन में पहुंच रहे हैं वो लोग, हैज सीन द लार्जेस्ट डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड सिंस द 1990s। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई कि 90 के बाद देखें तो सबसे बड़ी जो आपकी बर्ड्स की पॉपुलेशन में गिरावट है वो इसी मतलब गिद्धों के अंतर्गत देखी जा रही है। तो मिनिस्ट्री ने मतलब अब रनिंग करने के लिए मतलब जो है इस तरीके की योजना चलाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, जिससे इनका संरक्षण वगैरह किया जाए, है ना। तो प्रोजेक्ट जो है उन्होंने लाया था फॉर वल्चर सिंस 2006, बट नाउ बी नाउ बाय 2025 द प्रोजेक्ट हैज टू नॉट ओनली कप द डिक्लाइन बट एक्टिवली इंक्रीज द नंबर ऑफ वल्चर्स इन इंडिया। तो भैया 2006 से जो संरक्षण परियोजना चलाई जा रही थी उसमें उनको बचाने की कोशिश, अब उनको जो है उनकी प्रजाति को बढ़ाना भी है हमको संरक्षण देके, ताकि उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो सके, ठीक है ना, ये समझिएगा। देयर आर 9 रिकॉर्डेड स्पीसीज ऑफ वल्चर्स इन इंडिया। एक आपका ओरिएंटल वाइट बैक लॉन्ग बिल्ड होता है ना, एक तो आपका वाइट बैक होता है जिसका उसकी बात कर रहे हैं, एक लॉन्ग बिल्ड चोंच की बात कर रहे हैं, स्लेंडर बिल्ड होता है, हिमालयन रेड हेडेड होता है, इजिप्टियन होता है, बियर्ड होता है, और सिनेरियस एंड यूरेशियन ग्रिफॉन होता है, ठीक है ना। तो इतनी जो है नॉ रिकॉर्डेड प्रजातियां हमारे यहां पाई जाती है। अब एक बात बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जिप्सम जो है आपका, जिप्स बोला जाता है उसको, तो किन तीन जो आपके इसमें से गिद्ध की प्रजाति है उनको उसके अंतर्गत रखा जाता है वो बताइएगा हमको, जिप्स के अंतर्गत किसको किसको रखा जाता है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो पूछता हूं वो
बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जरूर, इस तरीके के क्वेश्चन आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स में डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। बिटवीन 90s and 2007 द नंबर ऑफ थ्री करेंटली क्रिटिकल जो आपके इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, ओरिएंटल वाइट बैक, लॉन्ग बिल्ड एंड देन बिल्ड, जो आपके कौन से थिन बिल्ड है, पतली चोच वाला जो है आपका, लंबी चोच वाला और पतली चोच वाला जो आपका गिद्ध है ना, क्रैश्ड एक्सटेंसिवली विथ 99% ऑफ द स्पीसीज, द नंबर ऑफ रेड हेडेड वल्चर इज ऑल्सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड विद अ डिक्लाइन ऑफ 91%, वाइल इजिप्शियन वल्चर हैव फॉलन बाय 80%। तो ये डेटा आप रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, एक स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है यूपीएससी में, है ना, कि भैया अब इंडेंजर्ड क्रिटिकल इंडेंजर्ड यही मिल गया ना आपको, रटने की जरूरत नहीं है, फिर एक साथ पढ़ेंगे तो सब कंफ्यूजन होता है, इनको किनारे करिए। और जो न्यूज में होता है वही जो है लिस्टिंग पूछी जाती है, ऐसा नहीं दुनिया भर की सारी लिस्ट को पढ़ते रहे हम लोग, है ना, तब कुछ नहीं बनता, कंफ्यूज होते हैं वहां पर जाके हम लोग। और यहां पर जो नेक्स्ट जो यहां पर मतलब पॉइंट में बताया जा रहा है कि रीजन क्या है डिक्रीज होने की पॉपुलेशन, डाइक्लोफिनेक सुन रखा होगा आप लोगों ने, तो एक्सीडेंट इन द वल्चर पॉपुलेशन मेड हेडलाइंस इन द मिड 90s एंड द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2004 एज डाइक्लोफिनेक। आगे बात, अब डाइक्लोफिनेक आया, इसमें नहीं लिखा हुआ, आपको क्या पढ़ना है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए जो आपका स्टॉकहोम जो आपका कन्वेंशन है 2001 का, वो आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में इंपॉर्टेंट जो है आप चीजें नोट डाउन करके दो ही चार पॉइंट लिखना, किनारे कर लीजिए, ठीक है ना। एज डाइक्लोफिनेक एक आपकी वेटनरी एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है दैट क्योर्स पेन, है ना, पेन रिलीफ के रूप में उसको यूज किया जाता है, जैसे चोट वोट लग जाती है हम लोगों को, एथलीट वगैरह देखते हैं जल्दी से स्प्रे कर लेते हैं, वो आपका डाइक्लोफिनेक ही होता है, ठीक है ना। एंड इंफ्लामेटरी जो आपकी डिसीज सच एज गोट यूज टू डू बायो एक्यूमुलेशन, अब सीधी बात है, जब कोई व्यक्ति खाया, व्यक्ति खत्म हो गया, मृत्यु हो गई, उसके शरीर में जो है वो आपका एक्यूमुलेट है, अब यहीं पर जो है जब गिद्ध उसका भक्षण करेगा तो क्या होगा, उसके अंदर वो बायो एक्यूमुलेट, है ना, बायो एक्यूमुलेटिंग और एंड बायो मैग्निफिकेशन, अगर एक ही ट्रॉपिक लेवल पे अगर आदान प्रदान हो रहा है चीजों का, उसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन, सेम ट्रॉपिक लेवल, अब एक ट्रॉपिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, बायो मैग्निफिकेशन। तो इंसान से कहां आ रहा है, गिद्ध में आ रहा है ना, गिद्ध में आ रहा है, ठीक है ना, तो इन चीजों को आप समझिएगा। तो सच एज गाउट जो है आपका लिखा हुआ है, गोट नहीं है सॉरी, गाउट यूज टू डू जो आपका बायो एक्यूमुलेशन है ऑफ डाइक्लोफिनेक ड्रग, ठीक है, causes the vultures of the vultures to stop working leading to their death, है ना, तो ये आपका एक कारण है, बता रहे हैं, ठीक है ना, तो नॉर्मल से चीज़ है, इसका ग्रेजुअल accumulation pesticides में, chemicals और harmful substances में देखा जाता है in the body, ठीक है ना, तो नॉर्मल से चीज़ है, इसको देख जाइएगा, डाइक्लोफिनेक याद रखिएगा, वो सबसे बड़ा रीजन है, इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना वहाँ पर हम लोगों को। वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर की बात कर रहे हैं, तो ये आपका ज्वाइंट प्रोग्राम है हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और जो आपका BNHS है, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, बहुत पुरानी संस्था हमारे यहाँ एनवायरमेंट के एस्पेक्ट में काम करती है लगातार, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और जो आपका हरियाणा का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इस पे जो है उसका संयुक्त कार्यक्रम है आपका गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र हरियाणा, है ना, वन विभाग जो है आपका और आपका BHNS का, उसके बाद BNHS का। जो वल्चर कंजर्वेशन और जो आपका ब्रीडिंग सेंटर है वॉज नोन एज द वल्चर केयर सेंटर एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2001 आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द साउथ एशिया कल्चर रिकवरी प्लान, जो आपका है वल्चर होगा, ये कल्चर वगैरह नहीं है, वल्चर है ये आपका, है ना, टाइपिंग मिस्टेक होगी, वल्चर रिकवरी प्लान के जो पब्लिश किया गया था, है ना, तब जो है इसको इनैक्ट किया गया, कब, 2004 में, द वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर वॉज एस्टैब्लिश्ड एज एन इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ द वल्चर केयर सेंटर। वल्चर जो सेफ जोन प्रोग्राम है उसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है, वो वल्चर सेफ जोन प्रोग्राम है आपका, इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन 8 डिफरेंट प्लेसेस इन द कंट्री वेयर देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स, 2 ऑफ दीज प्लेसेस आर इन उत्तर प्रदेश, 2 आपके उत्तर प्रदेश में है, कौन कौन सी जगह है वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपके लिए जरूरी है UPPCS के लिए। वल्चर सेफ जोन्स अटेम्प्टेड टू प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स एंड इंक्रीज देयर पॉपुलेशन बाय इंश्योरिंग मिनिमल यूज ऑफ डाइक्लोफिनेक, तो भैया उनके मरने का कारण जो है सबसे, उनके मृत्यु का जो कारण है सबसे बड़ा डाइक्लोफिनेक है, तो इसके यूज को कम करेंगे तब उनकी जो है क्या संख्या में बढ़ोतरी की जा सकेगी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी भी एरिया को अगर इस तरीके का एरिया वल्चर सेफ जोन के रूप में आइडेंटिफाई करना है, डिक्लेयर करना है ना, तो व्हेन नो पॉइजनस मेडिसिन इज फाउंड इन द अंडर जो आपका कवर फार्मेसी एंड कैटल कारकास्ट जो आपका सर्वे है फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड द वल्चर पॉपुलेशन इज स्टेबल एंड इज नॉट डिक्रीजिंग, ये जो है परिस्थिति बता रहे हैं वहां पर, कंडीशन बता रहे हैं और इसका उद्देश्य बता रहे हैं कि पर्पस क्या है भैया, वल्चर एक्शन प्लान जो है आपका 2020 से जो आपका 2025 के लिए है, तो बोल रहे हैं कि जो इसका आपका पर्पस है वो इंश्योर करना है द रेगुलेशन ऑफ द सेल ऑफ जो आपका वेटरनरी NSAID, है ना, NSAID जो लिखा हुआ है आपका, ठीक है ना, हैज ऑलरेडी बीन
सेट इन मोशन एंड दैट लाइफ स्टॉक इज ट्रीटेड ओनली बाय क्वालिफाइड, जो भी आपके वेटनरी के अंतर्गत जो भी पशु चिकित्सक हैं, है ना, जो योग्य होंगे उनके द्वारा ही वहां पर इस तरीके का कार्य व्यवहार किया जाएगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने प्लान किया है टू कंडक्ट अ सेफ्टी टेस्ट ऑफ द NSAIDS जो है आपका अवेलेबल ऑन वल्चर्स एंड डेवलप न्यू वन दैट डू नॉट इफेक्ट वल्चर्स, ठीक है ना। तो बर्ड्स के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है ना, इसी के बारे में, जो गिद्ध के बारे में देख जाइएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो फेज है हमारा वो किससे रिलेटेड है, आपका MCQ से रिलेटेड। अच्छा, मैंने कमेंट बॉक्स में देखा था कई लोगों ने बोला फाइनेंस कमीशन जो है क्लियर नहीं हुआ, वो न्यूज़ वहाँ पर इतनी थी कि कोर पार्ट के लिए टाइम नहीं था, किसी दिन टाइम होगा बहुत अच्छे से कवर कर दूंगा मैं, जिस दिन भी फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आएगा, फाइनेंस कमीशन किस तरीके से वर्किंग है, उसकी क्या फंक्शनिंग है ना, किस तरीके से जो है क्या रोल है उसका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंतर्गत, तो वो अपन सारी चर्चा कर लेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आपके कोर में से कोई टॉपिक मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे दिमाग में खुद ही रहता है, आप इसका बिल्कुल लोड मत लीजिए, बस विश्वास करके चलिए, तो चलिए तो लगातार मेरे साथ चलिए तो एग्जाम तक, मैं हमेशा यही जो है आप लोगों से आग्रह करता हूं, चलिए लगातार चलिए, बस 4 दिन पढ़े फिर 6 दिन नहीं पढ़े, है ना, इसको त्यौहार की तरह नहीं, डेली रूटीन, जैसे खाना खाते हैं सोते हैं वैसे आदत बनाइए, मजा आता है पढ़ने में भी, है ना, जैसे शरीर के लिए प्रोटीन चाहिए ना, वैसे दिमाग के लिए प्रोटीन आपकी पढ़ाई है, है ना, सिर्फ बनने के लिए, पढ़ने के लिए भी पढ़िए, बन अपने आप जाएंगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका पहला जो यहाँ पर MCQ है वहां पर शांति प्रतिमा के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिखा गया है, ये जो स्टेच्यू है उसको इंस्टॉल किया गया है विजय वल्लभ जो आपके साधना केंद्र है एट जैतपुरा इन पाली राजस्थान, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद ये आपका स्टेच्यू ऑफ पीस है, वॉज अनवील्ड इन राजस्थान बाय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है, और राजस्थान के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी है ना, कि जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं इस तरीके का इनॉग्रेशन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अ पीस स्टैचू हैज बीन कंस्ट्रक्टेड टू कमेमोरेट द 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जैन जो आपके आचार्य हैं श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उससे पूछा जा रहा है ट्रिस्टन द कुन्हा, ठीक है ना, ये आपका ज्योग्राफी से, ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड है ना, मैप में देखिएगा इस जगह को, आप लोग जो भी जगह आती है उसको एक बार मैप में जरूर देखिए, गूगल मैप में देखिए, एटलस में देखिए, जो भी एक्सेस हो तुरंत देखिए, ठीक है ना। विच स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग जो आपका ट्रिस्टन द कुन्हा है, तो ये आपका आइलैंड है जो आपका अटलांटिक ओशियन है, वहां पर हैज अबाउट 300 इनहैबिटेंट्स, है ना, लगभग 300 निवासी ही रहते हैं वहां पर, ठीक है ना। इसके बाद ये जो पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि इट इज अ स्मॉल चेन ऑफ आइलैंड इन द साउथ अटलांटिक अबाउट 6000 माइल्स फ्रॉम लंडन, लंडन की बात करें, एंड द वाटर्स अराउंड द आइलैंड आर कंसीडर्ड द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। अब आप समझिए कि सबसे रिचेस्ट जो वाटर की क्वालिटी है ना दुनिया में जो है, पानी के मामले में जो है, इसको सबसे मतलब अमीर माना जाता है, वहाँ के सराउंडिंग एरिया के संदर्भ में बात कर रहे हैं ना, वहाँ के द्वीपों के आसपास के पानी को जो है दुनिया में सबसे जो है रचेस मतलब क्वालिटी की बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा माना जाता है। रिसेंटली इट वाज डिक्लेयर्ड द लार्जेस्ट फुल्ली प्रोटेक्टेड मरीन रिजर्व ऑफ 6,087,000 स्क्वायर किलोमीटर इन द अटलांटिक ओशियन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट अपने लिए पॉइंट हो गया, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था, इसका भी आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, पोल्लावरम जो आपका प्रोजेक्ट है, डैम है, उसके बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये जो आपका डैम है उसके बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि नेशनल प्रोजेक्ट है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर मल्टीपर्पज इरीगेशन प्रोजेक्ट है ये आपका, ठीक है ना, गोदावरी रिवर पर है, बिल्कुल ठीक बात है, ईस्ट और वेस्ट जो आपका गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत है, और बोल रहे हैं ये कर्नाटक में, कहाँ से होगा भैया, आंध्र प्रदेश में है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो गया, बाकी पूरा सही है, जगह गलत दी हुई है, आंध्र प्रदेश का है ना, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, और इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो गया क्योंकि स्टेट गलत दिया है आपका, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा ये रिजर्वायर जो होगा इसके अंतर्गत वो आपका डुम्मू गुडेम जो आपका एनीकट है, अर्थात उसका मतलब ये बता रहे हैं अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड पोलावरम जो डैम है ऑन द बैंक्स ऑफ द मेन रिवर एंड अबाउट 115 किलोमीटर अलोंग द सबरी रिवर एक्सटेंड्स टू, है ना, वहां तक विस्तारित है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट पहला गलत था। तीसरा ये रिसेंटली जो गवर्नमेंट है आपकी आंध्र प्रदेश की, उसने बोला है कि दैट द हाइट ऑफ पोलावरम डैम विल नॉट बी रिड्यूस एंड दिस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड नेक्स्ट ईयर, तो बोल रहे भैया हाइट वाइट जो है कम नहीं होगी इसकी और अगले साल तक जो है इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पहला गलत था, इसका आंसर आपका B 2 and 3 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये झारखंड का जो आपका स्थापना दिवस है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है ना,
बोला जा रहा है कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके बारे में बताइए कौन सा जो आपका है स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पर। पहला ये कि झारखंड वॉज कार्व्ड आउट ऑफ बिहार इन द ईयर 2000, पता है आपको एमपी छत्तीसगढ़ झारखंड वाला भी है आपका एरिया उसी टाइम पे है आपका, है ना। और मतलब आप देखते हैं ना 2000 में कौन कौन से स्टेट्स जो हैं आपके अलग होके जो हमारे यहाँ नए स्टेट्स बनाए गए थे उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। तो बिहार से मतलब बिहार और झारखंड जो है अलग अलग प्रदेश बन जाते हैं 2000 में आफ्टर द बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 वाज पास्ड बाय द इंडियन जो आपकी पार्लियामेंट है। आर्टिकल 3 आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, है ना, उसके अंतर्गत ये सब बातें होती हैं कि जो भी राज्यों का जो आपका निर्माण वगैरह किया जाता है, ठीक है ना। तो पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि द 25th फाउंडेशन डे ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड एंड बिरसा मुंडा जयंती वर सेलिब्रेटेड ऑन 15th नवंबर 2020। एक बात बताइए 2000 में बना है तो 25वां कहां से फाउंडेशन डे होगा। दूसरा स्टेटमेंट तो यहीं से गलत हो गया बिल्कुल ईजिली, दूसरा गलत है आपका। तीसरा ये दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा ऑल्सो नोन एज कौन, लॉर्ड बिरसा, है ना। अब बिरसा मुंडा जो आपका आंदोलन था आपका जनजाति जो आंदोलन आपके छोटा नागपुर के जो पठार क्षेत्र है वहां पर जो भी आपके जनजाति आंदोलन हुए हैं नेशनल जब मूवमेंट पढ़ते हैं हम लोग, है ना, जो हमारे यहाँ हिस्ट्री में पढ़ते हैं, अब आप उसको एक बार इस एरिया के जो जनजाति मूवमेंट है उसको एक बार रिवाइज कर जाइए, हाँ बहुत सारा पार्ट आपका कवर हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा बस स्टेटमेंट गलत है और सही ही बताना था। तो इसका आंसर आपका ऑनली 1 और 3 हो जाएगा जो कि बी में दिया गया था। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।